जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है एग्जाम शक्ति। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग एसएससी का एक मैराथन चला रहे हैं, जिसमें से जितनी भी क्वेश्चन पिछले दो साल में आया है, एसएससी सीपीओ 2019 जो जनवरी में हुआ था, एसएससी सीजीएल 2019 में हुआ, एमटीएस जो 2019 में हुआ, सीएचएसएल जो 2019 में हुआ, ठीक है, जो सीपीओ जो दिसंबर में हुआ और सीजीएल जो 2020 में हुआ था, ये सारा का सारा जितना इसमें से जीके क्वेश्चन आया है, ये सारे में से वो सारा का सारा हम लोग लेके आ रहे हैं, जिसमें से हम लोग इसको तीन पार्ट में कवर करेंगे, जिसमें से ये टोटल 1200 प्लस क्वेश्चन का सीरीज है ये। तो जिसमें से आज हम लोग पहले पार्ट में 400 प्लस क्वेश्चन को लेंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ 2019 और 20 की जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, किस किस वैरायटी के क्वेश्चन हमारे दो साल में देखने को मिला है टीसीएस पैटर्न से, बस वो चीज़ को हम लोग को समझना है इसमें कि किस पैटर्न से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप ये पूरा बना लेते हैं ये 2019 और 2020 का भी, तो ये बहुत ही बहुत बेनिफिशियल होगा हम सब के लिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। रेड वर्म्स हैव ए स्ट्रक्चर नेम डैश विच हेल्प्स देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड। देखिए, इसमें से कोई भी क्वेश्चन हम खुद से कुछ नहीं लिए हैं, ये सारा का सारा जितना 2019 और 2020 में जो भी जितने भी जीके क्वेश्चन है, सिर्फ 25-25 जो जीके होता है हर एक शिफ्ट का, हर एक एग्ज़ाम का, वो सारा का सारा शिफ्ट हर एक एग्ज़ाम का हर और हर एक चीज़ इस वाले सीरीज में चलते रहेगा। तो बताइए हमारा आंसर क्या होगा पहले का? ये होगा गिजार्ड। प्रोलिफिक इंडियन पेंटर मकबूल हुसैन प्रीडोमिनेंटली यूज्ड विच ऑफ दिस एनिमल टू डिपिक्ट ए लिविंग लाइवली ए फ्री स्पिरिट इन हिज पेंटिंग। देखिए बताइए, आपको इसमें पूछ रहा है कि मकबूल हुसैन के बारे में बताना है कि मकबूल हुसैन जो जितने बड़े पेंटर थे कि वो लाइव चित्र उतार देते थे, मतलब किसी भी जानवर का, तो बताना है कि बस ये नाम आपको याद रखना है, मकबूल हुसैन जो थे एक पेंटर थे, ठीक है। तो बताइए, तो कौन सा जानवर का वो पेंट बनाए थे? तो बनाए थे हॉर्स का, आप जाकर गूगल पे इसके बारे में देख भी सकते हैं। विच ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फिक्स द रेपो रेट एंड द रिवर्स रेपो रेट इन इंडिया। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि ये दोनों को फिक्स करता है? तो वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सर थॉमस रॉ केम एज एन ऑफिशियल एम्बेसडर फ्रॉम किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड टू विच मुगल एम्परर कोर्ट्स। तो सर थॉमस रॉ किसके शासनकाल में आए थे? तो वो आए थे जहांगीर के शासनकाल में। व्हाट इज मोर कॉमन नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? क्या है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का कॉमन नेम? तो यह है ड्राई आइस। देखिए, इसमें से हम लोग कुछ अपने से अपने तरफ से कुछ नहीं, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में पूछा गया है पिछले दिनों में 2019 और 20 के जितने भी क्वेश्चन हैं। तो सोच लीजिए, आप खुद सोचिए, अगर आप 25-25-25 का जो सीपीओ का 8 शिफ्ट का 8 गुना 3, एक दिन में 3 शिफ्ट होता है, तो सोचिए उस तरीके से आप पूरा जीके को कवर कर लेते हैं तो आपको कितना बेनिफिट होगा, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो हम लोग इस यही सोच के साथ ये एक नई चीज़ स्टार्ट किए हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ड्राई आइस। नेम द मीडिया कंपनी डेट परचेज द लेजेंडरी स्टूडियो ऑफ 21st Century Fox। और इसमें से वही क्वेश्चन लिए हैं। देखिए, उसमें से क्वेश्चन कुछ कुछ इजी भी रहता है, बहुत इजी की जिसमें से आप लोग उसमें बना सकते हैं। तो इसमें से वही सारा क्वेश्चन है कि जो इजी से नहीं है, सारा का सारा जो इसमें क्वेश्चन होगा वो मीडियम लेवल का होगा, और जो क्योंकि इजी है उसमें से जो जो बहुत इजी है वो क्वेश्चन को स्किप कर दिया गया, क्योंकि उसको लेने से कोई फायदा नहीं है, जो इजी क्वेश्चन वो सब जानते होंगे। तो इसमें से जो मेन क्वेश्चन है, जो मिडिल क्लास, जो पूरा एकदम जो सबसे इजी है, बस उसी को स्किप किया गया। बाकी आप अगर इसको देखिएगा तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा क्या है। उसके बाद आप पिछले साल का लगाइएगा कोई भी क्वेश्चन उठा के, तो आपसे सारा का सारा एसएससी का आया हुआ एग्जाम का बन जाएगा। और एसएससी का क्या, कोई भी एग्जाम हो, अगर इसको आप इतना पढ़ लेते हैं ये 1200 प्लस क्वेश्चन को, तो ये बहुत आपके लिए मददगार साबित हो जाएगा। तो उसमें पूछ रहा है, नेम द मीडिया कंपनी डेट परचेज द लेजेंडरी स्टूडियो ऑफ 21st Century Fox। कौन सी मीडिया कंपनी ने
ये खरीदा है इसको, तो खरीदा है डिज्नी ने। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स विल ड्रोनावली हरिका कन्फेयर्ड विद द प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड, कौन से खेल के थे ये? ये थे बैडमिंटन के। हु इज द फर्स्ट एंड करेंटली द ओनली बैट्समैन टू स्कोर डबल 100 इन 4 कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज, बताइए। तो वह है विराट कोहली। और इसमें से जितना क्वेश्चन है सोच रहे हैं आपको मिसलेनियस रीज में आपको मिलेगा, जो किधर उधर से क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है आपको आइडिया होगा, तो ये सॉल्व करने से आपको दिमाग में एक इमेजिन अच्छे से बैठ पाएगा कि किस पैटर्न से क्वेश्चन आता है। हम्पी इज सिचुएटेड इन, हम्पी कहाँ सिचुएटेड है? तो सिचुएटेड है कर्नाटक में। इन विच ईयर सांची वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर बींग एबंडेंट फॉर नियरली 600 ईयर, बताइए। तो वो होगा 1818 में। कोलाथानाडु वल्लुवनाड एंड थेक्कुमक्कूर वेयर एंशियंट स्मॉल टाइम किंगडम इन, कहाँ के? यह देखिए नाम से आपको पता लग रहा होगा, गुजरात बिहार को तो आपको ये दोनों स्किप कर दीजिएगा क्योंकि लग नहीं रहा, हो नहीं सकता है। ये कर्नाटक और केरला में होगा, तो कुछ कुछ चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, जैसे ये वल्लुवनाड थेक्कुमक्कूर, तो ये सब एक इमेजिन याद कर लीजिए, इमेजिन बना लीजिए कुछ। देखिए यहाँ पे समझने का कुछ नहीं है, बस आपको MCQ पकड़ना है और ऑप्शन के साथ आपको खेलने आना चाहिए, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है इसमें। अगर आप देखिए कोई भी आदमी पूरा जीके याद नहीं कर सकता है, लेकिन इस तरीके से अगर आप पढ़िएगा तो जो भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको जो है MCQ जो होगा, MCQ में जो चार ऑप्शन देते हैं उसमें से आप एक दो एलिमिनेट कर सकते हैं, उसका चांसेस बढ़ जाता है बहुत ही ज़्यादा। तो इसीलिए जितना भी हो सके आपको जो दिख रहा है जहाँ दिख रहा है उसको पकड़ लीजिए। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें होगा केरला। वाट इज़ द यूनिफॉर्म GST रेट डेट इज़ फिक्स्ड अप फॉर लॉटरी प्राइज बाय द GST, बताइए। GST रेट फिक्स कर दिया है लॉटरी प्राइज के लिए, तो कितना GST फिक्स किया हुआ है? तो किया हुआ है 18%। एज ऑफ फरवरी 2020 हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका का प्रेसिडेंट कौन है? यह है गोतबाया राजपक्षे, ठीक है। और इसी के एक इन्हीं के घर के इनके बेटे हैं और वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो है महिंद्रा, इसका भाई शायद क्या पता नहीं क्या है, लेकिन इसका नाम है महिंद्रा राजपक्षे, ठीक है, याद रखिएगा। वो प्राइम मिनिस्टर है, ये प्रेसिडेंट है, दोनों एक ही घर के हैं, रिश्ता में हम बोल रहे हैं शायद बेटा या भाई शायद हो सकता है। विच ऑफ दिस बोन इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर, इसमें से ह्यूमन ईयर का पार्ट कौन नहीं है? देखिए आपको, देखिए अगर आपको ऑप्शन देखिए किसमें आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए फेमर किसका होता है सबसे बड़ा? ये होता है थाई का सबसे, ये लॉन्गेस्ट बोन रहता है, तो सीधा आप आंसर ये मार दीजिएगा फेमर बस। लेकिन ये तीनों भी आप ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन सा होता है, मेलियस फेमर और इंकस, नहीं मेलियस स्टेपस और इंकस, फेमर तो थाई का होता है। द अराकू वैली ए टूरिस्ट इज लोकेटेड नियर टू विच ऑफ दिस सिटी ऑफ साउथ इंडिया, भैया अराकू वैली कहाँ पर है? कहाँ है अराकू वैली? देखिए अराकू वैली, देखिए ऑप्शन आपको सोचना, देखिए क्या है? तो ये विशाखापट्टनम में, ये आंध्र प्रदेश में है, ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। विच ऑफ दिस वर्ड रेफर टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग, देखिए किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आगे वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए एकदम बिल्कुल। 1200 क्वेश्चन जो आएगा तीन पार्ट में, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा पूरा। तो क्या होगा? साइनोलॉजी बोलते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कौन किए थे? तो किए थे जेम्स चैडविक। द फूड द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज द फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशन, वेयर इज इट हेडक्वार्टर, कहाँ पे है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये हमारा रोम में है,
archaeologist R. Nagaswamy was honored at the Silver Jubilee International Conference of Art by which country? किस कंट्री के हैं ये आर नागास्वामी? ये हमारे भारत के सबसे बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं, तो इसको कहाँ पे ये अवार्ड दिया गया था? तो ये दिया गया था बांग्लादेश में। इन विच स्टेट हैज द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVYC ओपन द फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट? कहाँ पे खुला है ये? तो ये खुला है गुजरात में। क्रम योद्धा ग्रंथ बुक बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ, किसके लाइफ पे क्रम योद्धा ग्रंथ बुक लिखा गया है? तो लिखा गया है नरेंद्र मोदी के नाम पे। और इसको पब्लिश कौन किया था? इसको पब्लिश किए थे अमित शाह जी ने। विच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अडॉप्टेड अ न्यू लोगो कंसिस्टिंग ऑफ द नेशनल एम्बलम एंड फॉक्सटेल ऑर्चिड द स्टेट फ्लावर इन जनवरी 2020? बताइए। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फॉक्सटेल ऑर्चिड कौन से है? इसको आपको ये भी देखिए, इसमें ये क्वेश्चन में आपको दो चीज याद करना है। सबसे पहले तो फॉक्सटेल ऑर्चिड कौन से राज्य का, अगर आपको पता होगा तो आप आराम से मार दीजिएगा। तो ये क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द माधवपुर मेला सेलिब्रेटेड? बताइए माधवपुर मेला सेलिब्रेट कहाँ होता है? ये क्वेश्चन देखिए SSC में ही, अभी हम जो इसमें बना रहे थे क्वेश्चन, जब हम सेट कर रहे थे, तो ये क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछ रहा था। तो ये कहाँ है माधवपुर मेला? यह गुजरात में होता है। मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड इज, ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये क्वेश्चन स्किप कर दीजिए। ये कुछ और, अजातशत्रु ए रूलर ऑफ द हरियक डायनेस्टी वाज द सन ऑफ, किसके पुत्र थे अजातशत्रु? वो थे बिंबिसार के पुत्र, बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु। और अजातशत्रु के पुत्र कौन थे? उदयन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स? बताइए कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट रहता है लंग्स में? देखिए आपका, अगर आपको इसमें अगर ये तीन के बारे में पता है तो आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। ये देखिए पिट्यूटरी, ये रहता है ब्रेन के बेस में। हाइपोथैलेमस, ये ब्रेन का पार्ट है। पीनियल, ये भी इसी का पास रहता है। तो थाइमस बचा, तो थाइमस हो जाएगा हमारा आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज द 95th एडिशन ऑफ द प्रेस्टिजियस हेस्टिंग इंटरनेशनल चेस कांग्रेस हेल्ड? कहाँ पे हुआ था ये हुआ था फ्रांस में। व्हेन वी कट एन ओनियन द सिंथेसिस एंजाइम कन्वर्ट द एमिनो एसिड सल्फोक्साइड ऑफ द ओनियन इन टू विच एसिड? आप तो क्वेश्चन पढ़ कर समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रहा है। प्याज काटने का टाइम जो सिंथेसिस एंजाइम है वो कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड सल्फोक्साइड में, तो कौन सा एसिड है बताना है आपको? तो वह हमारा है सल्फ्यूनिक एसिड, सल्फेनिक एसिड। Which of the following was previously known as the Lady Wellington Park? देखिए किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको दिमाग में रख लीजिएगा आप। तो कौन है द लेडी विलिंगटन पार्क, कौन से पहले नाम था? अभी ये नाम पढ़ा तो पहले क्या नाम था? पहले नाम था लोधी गार्डन। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक इज द ब्रह्मागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? ये कहाँ पर लोकेटेड है ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ? लोकेटेड है कोडागू में। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा कि ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ कहाँ पे है? कर्नाटक में। अगर आपको ये डिस्ट्रिक्ट याद ना भी रहे तो ये आप जरूर याद कर लीजिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ द नंद डायनेस्टी? बताइए नंदा डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर कौन था? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो कौन था? धनानंद था, जिसको मार के चंद्रगुप्त मौर्य जी ने फिर मौर्य वंश का स्थापित किए थे। एक्सेंट 2020 ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ है बताइए?
देखिए कुछ कुछ करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है इसमें, ठीक है, तो आप घबराइएगा मत। ये कुछ कुछ करंट अफेयर का है ये, जो कि एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, जो इस बार जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें से ये सब जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट था तो वो सारा करंट अफेयर है, ठीक है, तो उसको अच्छे से आप याद रखिएगा। हम लोग लाइन से लेके जा रहे हैं, पहले एसएससी सीजीएल 2020, फिर एसएससी सीपीओ का होगा, फिर उसके नीचे जितना भी नीचे 2019 के जनवरी तक जितना एग्ज़ाम हुआ है एसएससी का 6-7 एमटीएस एचएसएल सीपीओ जीडी, ये सारा का सारा क्वेश्चन कवर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है अभी एसएससी सीजीएल 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया है लेटेस्ट, वो सारा क्वेश्चन इसमें अभी लिया गया है पूरा। और इसमें जो सीजीएल 2019 और सीजीएल 2020 में जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है उसमें ये 400 प्लस क्वेश्चन अभी उस चीज़ का है। कल के आने वाले पार्ट में सीएचएसएल और एमटीएस का जो पूछा गया है वो होगा, और परसों के आने वाले पार्ट में जो सीपीओ का जीडी का और जो सीपीओ दिसंबर में हुआ है वो पूरा इसमें लिया जाएगा। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आराम से जो है बस उसको आप देखते रहिए, क्योंकि जीके है, ये सारा क्वेश्चन आपको देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा ही, तो घबराने की बात नहीं है। तो एक्सन 2020 कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है, ये ऑर्गेनाइज हुआ है केरला में। देखिए बोरा कैब आर सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फ्लोइंग हिल्स, बताइए ईस्ट कोस्ट पे सिचुएटेड है बोरा कैब्स, तो कौन से हिल पे सिचुएटेड है वहाँ पे, तो वहाँ पे है अनंतागिरी हिल्स पे। देखिए इसका एक याद करिएगा, बोरा जगह, बोरा में जैसे रस्सी देखते हैं उससे निकलता है, तो उसको घिसते रहते हैं तो घिसते रहते हैं तो बहुत लंबा तक निकलता है एकदम, सोच लीजिए कि लंबा मतलब अनंत टाइप का, एकदम थोड़ा सा एकदम घिंचाते ही रहता है बोरा से, देखते होंगे बोरा से कुछ भी घिसते होंगे तो वो बहुत देर तक उसमें से निकलते रहता है, तो उस तरीके से सोच लीजिएगा कि अनंत मतलब अनंत निकल रहा है रस्सी, खिंचाया जा रहा है, तो उस तरीके से बस रिलेट कर सकते हैं आप बस ऑप्शन तक पहुंचने के लिए। तो बोरा कैब अनंतागिरी हिल्स अनंत, इन विच ईयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन फॉर द गेटवे ऑफ इंडिया लेड इन मुंबई, देखिए जो गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में 1900 सबसे पहले, ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि कब वहाँ पे वो बना था, कब बना था, 1913 में, याद रखिएगा। द लास्ट रिकॉग्नाइज किंग ऑफ द गुप्ता लाइन वाज, गुप्ता लाइन का सबसे लास्ट किंग कौन था, ये देखिए बिंबिसार तो हरियक वंश का संस्थापक था, अशोक आ गया मौर्य वंश में, समुद्रगुप्त है तो समुद्रगुप्त ये लास्ट नहीं था, लास्ट था विष्णुगुप्त। इंडस इकोनॉमी ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्स आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन सोशलिस्ट इकोनॉमी। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डैस इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल नर्स डे एवरी ईयर, हर साल इंटरनेशनल नर्स डे किनके याद में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो सेलिब्रेट करते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के याद में। द सिटी ऑफ डैस इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ द यांगस्टे रिवर, ये देखिए एशिया का सबसे बड़ा रिवर है ये यांगस्टे रिवर, याद रखिएगा, और वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा नदी है ये, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी कौन है, तो है नील नदी, उसके बाद अमेजॉन, उसके बाद यंगस्टर। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा शहर इसके माउथ में बसा हुआ है, तो बसा हुआ है शंघाई, ये चाइना का ही रिवर है ये। हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, बताइए इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया कौन पब्लिश करता है, तो ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बताइए इसमें से सार्क कंट्री कौन नहीं है, बताइए क्या होगा आंसर हमारा। ये देखिए जो सार्क जो एसोसिएशन है ये 8 देशों का समूह है, ठीक है, जो भी हमारे भारत के सटे हुए जो देश थे ना, जैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसमें से ये 8 देश का ये समूह है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू में। तो इसमें पूछ रहा है कि मेंबर कौन नहीं है, तो इसमें देखिए नेपाल मेंबर है, भूटान मेंबर है, पाकिस्तान मेंबर है, चाइना जो है मेंबर नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। ये देखिए सार्क
एक सार्क है ना, सार्क ऐसा, अगर आपको कुछ समझना है इस तरीके से, तो सार्क का मेंबर कौन नहीं है हमारा पड़ोसी देश में, तो चाइना नहीं है। तो सार्क और चाइना का मैप देखते होंगे, वो ड्रैगन कहलाता है चाइना, तो सार्क और ड्रैगन का कभी आपस में नहीं बन सकता है, तो इसी वजह से याद रखिएगा। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ग्रुप्स और इनग्रेविंग इन ऑर्नामेंट विद कलर एनिमल्स इज कॉल्ड, बताइए देखिए क्या क्या पूछ लेता है। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ग्रुप्स और इनग्रेविंग इन ऑर्नामेंट्स विद कलर एनिमल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको जो कलर एनिमल से किया जाता है, तो मीनाकारी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रेन, इसमें से कौन सा ब्रेन का पार्ट नहीं है, अगर आप कहीं पढ़े होंगे तो आपको ये आंसर आप पहुंच सकते हैं ऑप्शन से। देखिए पिन्ना, पिन्ना आप सुने होंगे, ये कान के पास होता है पिन्ना, तो आप ऐसे ही बस ध्यान लगा सकते थे, तो पिन्ना, तो मेडुला, पॉन्स, थैलेमस, ये सारा ब्रेन का पार्ट है पिन्ना, ईयर का। द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध फ्रॉम द हरियक डायनेस्टी वाज, कौन था हरियक वंश का सबसे पहला राजा, तो वो था बिम्बिसार। द डैश हेल्प इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम, कौन है जो इक्वलाइज करता है प्रेशर को दोनों साइड के ड्रम को, तो वह स्टोचियन ट्यूब। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट्स इज कॉमनली नोन एज, ये CaSO4.2H2O, क्या इसको बोलते हैं, डाइहाइड्रेट होते तो 2H2 हो जाएगा, ट्राई आएगा तो 3H2 हो जाएगा, तो जिप्सम होता है ये, और CaSO4 1/2H2 रहेगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। हु अमंग द फॉलोइंग वाज फेमस कव्वाली सिंगर, देखिए इसमें से कौन फेमस कव्वाली सिंगर है, तो हमारे कौन है, नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं। डैश द वर्ल्ड हाईएस्ट पोलो ग्राउंड इज लोकेटेड इन पाकिस्तान, कहाँ पे लोकेटेड है हाईएस्ट पोलो ग्राउंड, कौन से जगह, तो कौन सा है वो, वह है संदूर। करी भात इज अ राइस डिश फ्रॉम, देखिए करी भात कहाँ का डिश है, ये तो यह है श्रीलंका का। द गुप्ता रूलर इम्पोज ए फाइन कॉल डैश विच वॉज ए प्लो टैक्स पेड बाई एवरी कल्टिवेटर ओनिंग ए प्लो, क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा हरियाणा। डैश इज द लार्जेस्ट सिटी इन श्रीलंका, कौन है सबसे लार्जेस्ट सिटी श्रीलंका में, तो कौन है, कोलम्बो है। हेनसांग हेल्ड एज ए प्रिंस ऑफ पिलग्रिम विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, हेनसांग किसके शासनकाल में आया था, सबको पता है, एच से हेनसांग, एस से हर्षवर्धन, तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। लूसीफायर, देखिए सब क्वेश्चन देखिए थोड़ा अजीब है ना सुनने में, तो ये सब क्वेश्चन सोचिए एग्जाम में आ जाएगा और नहीं जानिएगा इसके बारे में तो फंस जाइएगा। लूसीफायर इज अनदर नेम फॉर द प्लेनेट, किसका नाम है लूसीफायर, तो है वेनस का, देखिए वेनस का नाम है लूसीफायर, आज तक पता नहीं था। किंग हर्षवर्धन असेंड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर एंड कन्नौज ऑन द डेथ ऑफ हिज ब्रदर, किसके किसके मतलब जो हर्षवर्धन के थे, किनके डेथ के बाद इन्हें राजगद्दी मिली, और ये कहाँ के राजा थे हर्षवर्धन, थानेश्वर और कन्नौज के, तो किसके जाने के बाद, तो वो राज्यवर्धन के जाने के बाद, तो राज्यवर्धन के जाने के बाद राज्य मिल गया, इस तरीके से अब याद कीजिएगा हर्षवर्धन को। Which of the following is not a folk dance belonging to the Union Territory of Jammu and Kashmir? देखिए इसमें जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा इसमें फोक डांस नहीं है, देखिए हफीज़ा, राउफ, डांगी, ये तीनों है धूमल, जो नहीं है ये फोक डांस। Private ownership of the means of production is a feature of Dash economy. तो क्या बोलते हैं इसको, कौन से इकॉनमी बोलते हैं प्राइवेट ओनरशिप को, तो इसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकॉनमी। द गोल गुम्बज ऑफ डैश इज द मैजूलियम, इसका मतलब मकबरा है मोहम्मद आदिल शाह का, ठीक है, तो कहाँ पे है ये गोल गुम्बज, ये हमारा है बीजापुर में। द 14th दलाई लामा रिसाइड इन, बताइए क्या होगा, कलिम्पोंग। Which among the following is an Indian Olympic archer and Padma Shri winner?
कौन है ये? इंडियन ओलंपिक आर्चर तो है लिम्बा राम। द बिराजा टेम्पल, ये कुछ टेम्पल इसको याद कर लीजिएगा, द बिराजा टेम्पल, राजानी टेम्पल, समलेश्वरी टेम्पल आर लोकेटेड इन, देखिए कोई इसमें से कोई एक ही पूछ देगा कि कोई भी कोई दूसरे एग्जाम में कि बताइए द राजा रानी टेम्पल कहाँ पे है, समलेश्वरी टेम्पल कहाँ पे है, तो कहाँ पे है ये सब? बिराजा टेम्पल, राजा रानी टेम्पल और समलेश्वरी टेम्पल तो कहाँ है? उड़ीसा में है। डैक्स एक्सपेंशन मेक द एफिल टावर टॉलर ड्यूरिंग समर, कौन से एक्सपेंशन से? तो वो थर्मल एक्सपेंशन से। द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गोल्ड मेडल इज, देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा है, द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गोल्ड मेडल इज, इसका कॉम्पोनेंट क्या है ओलंपिक गोल्ड मेडल का, तो क्या है ये? तो ये है सिल्वर। द डैश लेक इन गुजरात वॉज एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर बिल्ट ड्यूरिंग द रूलर ऑफ द मौर्य, बताइए गुजरात में कौन सा लेक है जो मौर्य लोगों ने बनाया था? देखिए आपको याद होगा इसको, इतनी ऑप्शन तो आप ऑप्शन तक आराम से पहुंच सकते हैं आंसर तक। गुजरात का पूछ रहा है तो गुजरात वेस्ट में आता है, ठीक है। लोनार, लोनार झील हम लोग को पता है महाराष्ट्र में है। लोकटक कहाँ पे है? मणिपुर में। पुष्कर है राजस्थान में। तो बचा कौन? एक ये बचा, तो क्या होगा हमारा आंसर? सौर सना, वही तो लग रहा था सौर सना। सुदर्शन होगा यहाँ पे, सुदर्शन है, यहाँ पे डी छूट गया था, तो सुदर्शना लेक होगा, ठीक है। सुदर्शना लेक गुजरात में है, तो तब भी आप ऑप्शन तक पहुँच ही गए थे ना, वो डी छूटा हुआ था। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एवोल्यूशन ऑफ, आर्टिकल 17 क्या डील करता है? तो डील करता है अनटचेबिलिटी को, छूत को, मतलब जो ख़त्म किया गया है। दिस वॉज द कैपिटल ऑफ मगध बिफोर द 4th century BCE, मगध का कैपिटल कौन था? तो कौन था? राजगिरा था, राजगीर, जो भी वर्तमान में राजगीर कहलाता है। जीरो पैथेलमिया इज अ काउज ड्यू डिफेंसेसी ऑफ विटामिन, किसके विटामिन से कमी से होता है? तो ये होता हमारा विटामिन ए के कमी से। प्लानेटरी साइंटिस्ट कॉल द थिन गैसेस इन्वेलप अराउंड द मून एज द, क्या होगा? होगा लूनर एग्जोस्फेयर। द हर्ष चरित इज अ बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन द रूलर ऑफ कन्नौज कंपोज्ड इन संस्कृत बाय हिज कोर्ट पोएट, देखिए आपको पता होगा तो पता आपको आंसर तक पहुंच जाइएगा। तो वहाँ उसके दरबार में कौन था लेखक? तो था बाणभट्ट, जो इसके बारे में लिखा था हर्ष चरित किताब। द वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया फ्लोरिस्ट अलोंग द रिवर, वैदिक सिविलाइजेशन जो है कौन से रिवर पे ख़त्म हुआ था? तो खत्म हुआ था सरस्वती रिवर पे। इन 4th century BCE द कैपिटल ऑफ मगध वॉज शिफ्टेड टू, कहाँ लाया गया था मगध का कैपिटल? तो लाया गया था पाटलिपुत्र। इन बायोलॉजिकल टर्म डैश इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट एंड द अदर इज अनअफेक्टेड, कौन होगा ये? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में देके बताइएगा। एशिया लार्जेस्ट होल सेल प्राइस स्पाइस मार्केट इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है एशिया का सबसे बड़ा होल सेल स्पाइस मार्केट? तो वो है दिल्ली में। द डेवलपमेंट ऑफ ए फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, ऐसे चीज को? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट हो जाता है उसको बोलते हैं पैरथनोकार्पी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नेशनलाइज बैंक, कौन सा है जो इसमें से नेशनलाइज बैंक नहीं है? देखिए याद रखिएगा वो है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये नहीं है नेशनलाइज बैंक। विच टेनिस स्टार विल हैव ए स्विस कॉइन मिंटेड इन इज हर ऑनर, देखिए बताइए, कि मैंने करंट अफेयर सेक्शन में भी बताया था कि स्विट्जरलैंड के कौन से खिलाड़ी जो सिक्के पे उनका फोटो छपा था सिक्के पे, तो कौन से थे वो, किसके लिए कौन थे? तो वो थे रोजर फेडरर, जो स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं।
नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के। राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बैग टू इंटरनेशनल हैट्रिक इन क्रिकेट? बताइए किनके झोली में दो हैट्रिक है? तो वो है कुलदीप यादव के, कुलिया। इन विच सिटी वॉज द झंडा सत्याग्रह और फ्लैग सत्याग्रह ऑफ 1923? देखिए सबसे पहले इसमें से क्वेश्चन में कि आपको क्वेश्चन याद करना पड़ेगा कि फ्लैग सत्याग्रह कब हुआ था, 1923 को। अब पूछ रहा है कि कहाँ पे हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था ये नागपुर में हुआ था। विच पिलर इंस्क्रिप्शन हैज रिकॉर्डेड द अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त हु वॉज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया फॉर इच कंकर? बताइए कौन से पिलर में रिकॉर्ड है ये चीज? तो वह इलाहाबाद पिलर का। जॉन मेनार्ड केन इज बेस्ट नोन फॉर हिज इकोनॉमिक्स थ्योरी हेल्ड फ्रॉम विच कंट्री? कौन से कंट्री के हैं ये, कहाँ के हैं बताइए? तो ये हैं इंग्लैंड के। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्विन सिटी ऑफ इंडिया? इसमें से कौन सा ट्विन सिटी नहीं है इंडिया का? ये अहमदाबाद गांधीनगर ट्विन सिटी है, हुबली और धारवाड़ ट्विन सिटी है, कटक और भुवनेश्वर ट्विन सिटी है। जो थ्रिसुर एंड थिरु वाला है ये केरला का डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन ये ट्विन सिटी नहीं है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ RBC? देखिए अभी हम लोगों ने बायोलॉजी की पूरी सीरीज खत्म की थी, तो ये सारा का सारा उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बायोलॉजी के सीरीज में। जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया है वो एग्जाम में सेम वही आता है, बस उतना भी जो हम लोगों ने ख़त्म किया है बस इतना ही, बस आप पढ़ते रहिए जितना है उतना ही, बस GK आप पढ़िए, आपका कन्फर्म आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। अभी हम लोगों ने फिजिक्स ख़त्म किया है, उसके बाद ज्योग्राफी ख़त्म किया है, 1800+ क्वेश्चन का फिजिक्स, उसके बायोलॉजी ख़त्म किया है। तो आप अगर आपको देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और ये सारा का सारा क्वेश्चन वहाँ पे लिया गया है उसमें, वो उसमें पूरा प्रीवियस ईयर 20 साल का जितना क्वेश्चन था वो सारा का सारा उसमें है। तो विच पार्ट ऑफ द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर RBC कहाँ पे बनता है? तो कहाँ पे बनता है, ये बनता है बोन मैरो में। विच सिटी ऑफ इंडिया हैज़ द एथेंस ऑफ द ईस्ट? किसे बोलते हैं एथेंस ऑफ द ईस्ट? तो बोलते हैं मदुरई को। जेलीफिश इज एन आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फाइलम? जेलीफिश कौन सा फाइलम का एग्जाम्पल है? तो वह फाइलम ऑप्शन नंबर 3। मिथेन इज ए कलरलेस ऑडरलेस नॉन टॉक्सिक बट फ्लेमेबल गैस, व्हाट इज इट्स कॉमन नेम? क्या है इसका कॉमन नेम मिथेन गैस का? तो इसको मार्स गैस भी बोलते हैं। फ्रीडम फाइटर्स सुचेता कृपलानी बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? बताइए कौन से स्टेट की वो चीफ मिनिस्टर बनी थी सबसे पहले? तो वो था उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में ही सबसे पहला जो थी सरोजनी नायडू वहाँ की गवर्नर बनी थी, तो ये भी याद रखिएगा आप। इन विच पीरियड वॉज द लेजेंडरी विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन करंटली छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई बिल्ट? कौन से टिकट में बन के तैयार हुआ था ये? तो ये तैयार हुआ था 1878 से 1888 के बीच में, जिस टाइम ये ऐसे याद रखिएगा जिस टाइम कांग्रेस फॉर्म हुआ था, 1885 में कांग्रेस फॉर्म हुआ था, तो उस टाइम मुंबई बन रहा था, मतलब स्टेशन बन रहा था, इस तरीके से याद रखिएगा 1878 से 1888 के बीच में। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? बताइए मध्य प्रदेश का फर्स्ट गवर्नर कौन था? तो वो था डॉक्टर सीतारामैया। देखना किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये सब नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब क्वेश्चन स्किप करने लायक ही रहता है। इन विच स्टेट हैज़ द जावरा डांस ए डांस फॉर्म टू सेलिब्रेट वेल्थ ओरिजिनेटेड? बताइए ज्वारा डांस कौन से राज्य का डांस है? ज्वारा डांस बताइए, तो ये मध्य प्रदेश का डांस है ज्वारा डांस, ज्वारा। जॉर्ज सीमन ओम इन उज ऑनर वी हैव द फेमस ओम्स लॉ? अब पूछ रहा है कि ये कौन से देश के थे, कौन से देश के थे ये? देखिए जी से जॉर्ज, जी से जर्मनी, जर्मनी देश के थे ये। विच सिटी इन इंडिया इज वर्ल्ड
renowned for one of the most traditional embroidery styles, chinkari. ये चिंकारी कौन से शहर का ट्रेडिशनल चीज़ है? तो कौन से शहर का? ये लखनऊ का है चिंकारी. भावई एंड कलबिलिया इज अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म देयर जेनिस टू विच इंडियन स्टेट? बताइए भावई और कलबिलिया. कुछ कुछ चीज़ें आपको याद करनी ही पड़ेगी. तो भवाई ये सब कुछ कुछ फोक डांस है जिसको मन में रख लीजिए. भवाई और कलबिलिया कहाँ के ये फोक डांस हैं? ये तो ये राजस्थान के हैं. कुछ भी ट्रिक बना के कुछ पढ़ लीजिए. भवाई कलबिलिया कुछ भी सोच के. ईरानियन मेजर जनरल कासिम सुलेमानी वॉज रिसेंटली असिनेटेड बाय द US मिलिट्री. कहाँ पर हुआ था? तो इराक में. Who is the only scientist in the world to have won the Nobel Prize in Chemistry twice? बताइए अब कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिसको केमिस्ट्री में दो बार नोबेल प्राइज मिला है? केमिस्ट्री में पूछ रहा है तो कौन है? फ्रेडरिक सेंगर. The city of Vijayawada lies on the bank of which of these river? ठीक है, सबसे पहले विजयवाड़ा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में. आंध्र प्रदेश में मैंने ज्योग्राफी की क्लास में बताया था कि आंध्र प्रदेश में कौन सी नदी बहती है, जो मार के जो भी कोई भी कृष्ण जी जो होंगे वो चाहेंगे तो सबको अंधा कर सकते हैं. तो आंध्र प्रदेश से कृष्ण जी, तो कृष्णा नदी बहती है. तो विजयवाड़ा के साइड कौन सी नदी बहेगी? तो कृष्णा नदी. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फिनोमेना इन फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी विच इन्वॉल्व्स द स्प्लिटिंग ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन इनटू टू और मोर कंपोनेंट ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन द लाइट सोर्स इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड? बताइए कौन सा इफेक्ट है ये भाई? तो जो कौन से इफेक्ट कहते हैं, जो कहते हैं जीमन इफेक्ट. व्हाट डज द एंटायर अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड नाइट? देखिए सारा क्वेश्चन हम लोग पढ़े हुए हैं ज्योग्राफी के क्लास में. तो क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं डे ऑफ इक्विनॉक्स. हु अमंग द फ्लोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ मुस्लिम इन बंगाल? कौन है इसको फादर ऑफ मुस्लिम रिनाइजेंस कहते हैं बंगाल का? तो वो है नवाब अब्दुल लतीफ खान. कौन है? लतीफ खान. बंगाल के लतीफ जी थे. बंगाल फिर लतीफ, LL बंगाल लतीफ खान. व्हाट इज द नेम ऑफ द फेनोमेना इन विच माउंटेन टॉप एक्वायर ए रोजी और ऑरेंज ह्यू अराउंड एंड सनसेट? किसकी वजह से दिखता है? कौन से फेनोमेना की वजह से? तो ये दिखता है एल्पेन ग्लो के कारण. हाउ मेनी मेंबर डिड द IMF हैव एज ऑफ जनवरी 2020? IMF में कितने मेंबर हैं टोटल? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कितने मेंबर हैं? तो टोटल मेंबर हैं 189 मेंबर हैं टोटल. द थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 इज होस्टेड बाय विच इंडियन स्टेट? बताइए कहाँ पे हुआ था थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम? और ये हम लोग जितना भी करंट अफेयर पढ़े हैं ये सारा का सारा क्वेश्चन उसमें मिलेगा आपको देखने को. तो ये मिलेगा, ये कहाँ पे? असम में हुआ था, असम के गुवाहाटी में. विच ऑफ दिस एनर्जी कंजर्वेशन डेट हैपन इन द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस? बताइए अगर आपको इसके बारे में कुछ ना भी पता हो तो आप आंसर तक आराम से पहुंच सकते हैं. क्या पूछ रहा है? फोटोसिंथेसिस पूछ रहा है. तो फोटो से आपको याद आएगा सबसे पहले लाइट वाला, फोटो से लाइट. तो लाइट एक ही ऑप्शन में दिख रहा है बस आपको. तो लाइट टू केमिकल एनर्जी ये कन्वर्ट करता है. विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंडियन रिसर्च स्टेशन इन द अंटार्कटिका रीजन? तो अंटार्कटिका रीजन में कौन सा इंडियन रिसर्च स्टेशन है वहाँ पे? तो वो है हमारा मैत्री. Which of the flowing river flow through Tirutani, a famous pilgrim place of South India? बताइए. ये सब क्वेश्चन क्या होगा? वैगई. ईश्वर शर्मा बिलोंग टू किससे बिलोंग करते थे? ईश्वर शर्मा
बिलोंग करते थे योगा से। विच नेशनल पार्क एमोंग द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन द ईस्टर्न हिमालय सब रीजन। ये देखिए आपसे पूछ रहा है ईस्टर्न हिमालय सब रीजन के बारे में। अगर आपको कुछ ना भी पता हो, आपके पता हो कि नेशनल पार्क के ऑप्शन में से कहाँ पे कौन क्या है, तो आप, और ये सारा का सारा नेशनल पार्क हम लोगों ने ज्योग्राफी क्लास में पढ़ रखा है, बंदीपुर कर्नाटक में है, तो साउथ में आ गया। नमधापा नाम बोल रहा है तो अरुणाचल प्रदेश है, अरुण के बारे में बोल रहा है। केबुलम जाओ, ठीक है, और जिम कॉर्बेट, ये कहाँ है, सबसे पहला नेशनल पार्क है कहाँ, उत्तराखंड में है। बचा कौन एक ठो, ये बचा, और ये है भी मणिपुर में ही, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो केबी लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ है, मणिपुर में, जो कि पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तो ईस्टर्न में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा। व्हाट इज द कलर ऑफ द लाइट इमिटेड बाय द सन, कौन सा लाइट इमिट करता है सन, तो वाइट लाइट इमिट करता है। पोंगल इज सेलिब्रेटेड फॉर 4 days इन तमिलनाडु। देखिए सबसे पहले पोंगल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तमिलनाडु में, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूछ दिया है ये सब एग्जाम में, तो इसको अब बताइए कि चौथा दिन को क्या बोलेंगे। अब हम लोग को थोड़ी पता रहेगा यार क्या बोलेंगे चौथे दिन, उसको बोलेंगे कन्नूम पोंगल। ये सब क्वेश्चन स्किप करने लायक ही है। चीरोपॉडी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी, देखो चीरोपॉडी, ये सब के बारे में तो बहुत पूछ लिया है, पूछ रहा है चीरोपॉडी के बारे में बताइए अब, तो ये फीट से रिलेटेड है, याद रखिए एक नया चीज़ है, याद कर लीजिएगा, चीरोपॉडी फीट से। इन टर्म ऑफ एरिया, यहाँ पे एरिया होगा, इन टर्म ऑफ एरिया विच स्टेट इज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। देखिए ये भी हम लोग ज्योग्राफी क्लास में पढ़े हैं, तो कौन है वो, मध्य प्रदेश। इन विच ईयर वॉज द करेंटली बिल्डिंग इन द बीवीडी बैग और डलहौजी एरिया ऑफ कोलकाता कंस्ट्रक्टेड। देखिए आप इसमें ऑप्शन से आप पता कर लीजिएगा, देखिए डलहौजी कब था, 1830 से 1860 के बीच में तक भारत में था, तो उसी के बीच में बनाया होगा, 1910-1900 वाला तो हो नहीं सकता है, तो ये कब बनाया था, 1833 में बनाया था। देखिए धनु यात्रा, ठीक है, हम लोगों ने करंट अफेयर क्वेश्चन में भी पढ़ा है इसके बारे में। देखिए जितना भी लास्ट में आपको यात्रा लगा मिले ना कोई भी फेस्टिवल में यात्रा लास्ट में, तो वो सारा का सारा उड़ीसा का होगा, ठीक है। विच डायनेस्टी बिल्ड पंच रथ ऑफ महाबलीपुरम, पांच रथ बनाए थे महाबलीपुरम में, तो कौन बनाए थे वो, तो बनाए थे पल्लवा डायनेस्टी ने। इन विच ईयर वॉज द नाहरगढ़ फोर्ट इन जयपुर बिल्ट बाय महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय, इसका आंसर आप हमें कमेंट लिस्ट में बताइएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन वॉज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन 1942। दे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग को सबको तो पता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 को फॉर्म हुआ था, लेकिन लोकेशन क्या था बताइए। देखिए फॉर्म कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को, तो ये कहाँ पे हुआ था, ये अगस्त क्रांति मैदान में। नेम द लॉ इन फिजिक्स विच स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो सबको पता होगा एवोगाड्रो लॉ। द इंडियन आर्मी इज सेड टू कमीशन द फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन सोल्जर बाय ईयर, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कब कमीशन होगा इंडियन आर्मी में वुमेन सोल्जर, तो 2021 में। पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ, ये देखिए क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा है एग्जाम में, बहुत बार, तो पार्ट 8 किससे बिलोंग करेगा, तो ये यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन उड़ीसा, देखिए अखबार को पता होगा तो पहुंच सकते हैं। देखिए संबलपुर उड़ीसा में है, महानदी भी उड़ीसा में बहती है, जहाँ सबसे बड़ा जिसके ऊपर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जहाँ पे है, ठीक है। बचा कौन, मयूर बांझ और सोनित पर, तो सोनित पर ये हमारा उड़ीसा में नहीं है, सोनितपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ आयरन, इसमें से कौन आयरन का ओर नहीं है इसमें से, ठीक है, हेमाटाइट मैग्नेटाइट सैटराइट, ये तीनों है, क्यूपराइट नहीं है।
the National Commission of for Backward Classes was formed by insertion of Article 10 in the Constitution of India. तो कौन से आर्टिकल में है ये? तो ये आर्टिकल है 338A में है. Name the first female amputee to climb Mount Everest. कौन है वो पहली महिला? तो है अनुरिमा सिन्हा. प्रीशियस एनीमिया, ये देखिए इसके बारे में हम लोग बायोलॉजी में पढ़े हैं. प्रीशियस एनीमिया कौन सी विटामिन की कमी से होता है? ये होता है विटामिन B12 की कमी से. द हेड क्वार्टर ऑफ BCCI कहाँ पे? हेड क्वार्टर BCCI का देखिए BCCI ये है मुंबई में. डैश इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन सिटी. किसको गोल्डन सिटी बोला जाता है? तो बोलता है जैसलमेर को. डैश री अनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट फॉर जलियांवाला बाग मास किलिंग. सबको पता होगा ये आंसर. क्या होगा हमारा? रविन्द्रनाथ टैगोर. ये देखिए जो पल्लवा जो पांच रथ बनाया था ना उसमें से देखिए पहला बनाया था धर्मराज युधिष्ठिर के लिए, फिर भीम रथ, फिर अर्जुन रथ, फिर नकुल सहदेव रथ. ये चार थे लेकिन उसमें पूछ रहा है कि लास्ट कौन सा रथ था. भीष्म रथ था, कृष्ण रथ था, कर्ण रथ था, द्रौपदी रथ था. ये पांचों के लिए तो बना दिए हैं वो चार में ही. नकुल सहदेव को एक साथ, अर्जुन भीम और युधिष्ठिर को अलग, और पचवा किसका था? तो पचवा था द्रौपदी रथ. महाबलीपुरम में याद रखिएगा. द डैश इन चाइना इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मैन मेड वाटरवे. कौन सा है सबसे मैन मेड वाटरवे, सबसे बड़ा? वो है सोजियो कनाल. द गदर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन ईयर. गदर पार्टी कब फॉर्म्ड हुआ था? बताइए कब फॉर्म हुआ था. ये हुआ था 1913 को. द इंदस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. ये देखिए इंदस वाटर ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कब साइन हुआ था ये दोनों के बीच में? तो साइन हुआ था 1960 में. याद रखिएगा 1960 में साइन हुआ था. डैश आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट. तो सबको पता होगा सॉल्यूशन. द टोटल नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय टू मिरर इंक्लाइंड एट 120 डिग्री टू ईच अदर. अगर 120 डिग्री के एंगल पे दो मिरर को रखते हैं तो कितना इमेज फॉर्म होगा वहाँ पे? तो दो इमेज फॉर्म होगा. डिप्रिसिएशन ऑफ इज एन एनुअल अलाउंस फॉर द वियर एंड टीयर ऑफ. क्या होगा हमारा? होगा फिनिश्ड गुड. द पद्म अवार्ड आर अनाउंस अराउंड डैश एवरी ईयर. पद्म जो अवार्ड होता है वो कब अनाउंस होता है? हर साल वो होता है रिपब्लिक डे के दिन 26 जनवरी को. विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज एज ए कैटलिस्ट इन हाइड्रोजेनस रिएक्शन. ये देखिए अभी हम लोग केमिस्ट्री की सीरीज नहीं लाए हैं. ये खत्म होने के बाद फिर हम लोग पूरी की पूरी केमिस्ट्री की सीरीज लाएंगे. तो ये सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन है तो आप घबराइए मत, आप याद कर लीजिए जितना हो सके. तो क्या उसमें क्या होता है? तो प्लेडियम रहता है कैटलिस्ट में. इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिटी इज द टॉम्ब ऑफ रानी ऑफ झांसी सिचुएटेड. देखिए झांसी के जो रानी का जो मकबरा है कहाँ पे सिचुएटेड है? उनका जन्म हुआ था बनारस में. ठीक है तो कहाँ है इनका? ग्वालियर में है. नसीम अल बहर बिटवीन इंडिया एंड ओमान. देखिए इंडिया और ओमान के बीच में ये युद्ध अभ्यास है नसीम अल बहर. तो ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था? तो ये हेल्ड हुआ था गोवा में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ मरकरी इन थर्मामीटर. कौन यूज होता है मरकरी के साथ? तो होता है गलिस्तान. इन मेमोरी ऑफ होम इज द माधवपुर मेला. आपको देखिए माधवपुर मेला पूछा था पहले भी, देखे थे हम लोग ये क्वेश्चन कहाँ पे? गुजरात में. अब पूछ रहे थे किस किस वजह कौन से भगवान में वहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो लॉर्ड कृष्णा और रुक्मणी के याद में.
अकॉर्डिंग टू डाटा अवेलेबल एज ऑफ 2019, हाउ मैनी नेशनल पार्क आर सिचुएटेड इन इंडिया? बताइए कितना नेशनल पार्क है पूरे भारत में? तो है हमारा 104. हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द 15 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? कौन है चेयरमैन? वो है एनके सिंह. विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय ऑफ इंडिया एड्रेस द बंगाल फेमाइन ऑफ 1943 बाय ऑर्डरिंग द आर्मी टू डिस्ट्रीब्यूट रिलीफ सप्लाई टू द स्टार्विंग रूरल बंगालीज? देखिए आपको 1943 में अगर पता होगा तो उस समय वायसराय कौन थे, तो आपको ये इस आंसर तक आप आराम से पहुँच जाइएगा. तो कौन थे? तो वो थे लॉर्ड लिलिंगथो. हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड द कॉटन जीन? कॉटन जीन को इन्वेंट किया था? इली वाइट ने. विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन ग्रेप्स? बताइए ग्रेप्स में कौन सा एसिड प्रेजेंट नहीं रहता है? एसिटिक एसिड प्रेजेंट नहीं रहता है. विच ऑफ द फ्लोइंग फाउंड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE? बताइए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किसने फॉर्म किया है? तो ये फॉर्म किया है प्रेमचंद रॉयचंद जी ने. विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑल्सो नोन एज एप्सम सॉल्ट? इसको हम लोग एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं. तो है हमारा मैग्नीशियम सल्फेट. हाउ मैनी नेशनल हाईवे वेयर मर्ज फ्रॉम नेशनल हाईवे 44? ये कितना नेशनल हाईवे मर्ज होता है NH44 से, जो कि सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है इंडिया का? कितना नेशनल हाईवे मर्ज होगा इसमें बताइए कितना होगा? तो होगा 7. हु अमंग द फॉलोइंग कंसीव्ड द काकोरी ट्रेन रॉबरी इन 1925? ये कौन पकड़ा गए थे उस टाइम, इस कांड में कौन कौन थे? तो 4-5 लोग थे, जिसमें से ये दो का नाम आप याद रखिएगा, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान. इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर वॉज द कांग्रेस सोशल पार्टी फाउंडेड? बताइए कब फॉर्म हुआ था कांग्रेस सोशल पार्टी? तो फॉर्म हुआ था 1934 को. अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर स्पेशल प्रोविंसेस प्रोवाइडेड टू लैंग्वेज स्पोकन इन अ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन? तो आर्टिकल 347. हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड अ डायरेक्टर ऑफ नेशनल बुक ट्रस्ट? कौन है NBK के डायरेक्टर? कौन है नेशनल बुक ट्रस्ट के डायरेक्टर? तो वो है लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक. विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू कंट्रोल पेस्ट फिश? तो वो PCCides. विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल? कौन सा है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल का? तो होता है ओवरी. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर? कौन सा डिजीज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होता है? तो वह है किरोसिस. ये सारा क्वेश्चन हम लोग बायोलॉजी में भी पढ़े हैं. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर एक्सेस टू द इंटरनेट अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल ऑफ डैश ऑफ ने कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए कौन से आर्टिकल में डिक्लेयर किया गया है? तो आर्टिकल 19 में. UN Women proposed to partner with Dash Gender Park with an aim to secure gender parity in South Asia. तो क्या है कौन है था? केरला. Which of the following is a natural flame retardant? कौन है natural flame retardant? तो यह DNA. The STG index is developed by कौन निकालता है ये इंडेक्स? तो ये निकालता है नीति आयोग. हु परफॉर्म द टास्क ऑफ कैप्चरिंग ऑक्सीजन इन ब्लड? बताइए किसका टास्क है कैप्चरिंग करना? देखिए सारा क्वेश्चन देख हम लोग पढ़े हुए पिछले 20 देख रहे हैं, वही सारा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है, लेकिन कुछ कुछ जो आर्ट्स एंड कल्चर के क्वेश्चन जो मिसलेनियस टाइप के हैं वो थोड़ा सा अलग पूछ दिया जाता है एग्जाम में. तो क्या है हेमोग्लोबिन? नेम द ओनली मेटल डेट इज एंटी बैक्टेरियल. ये कौन सा मेटल है जो सिर्फ ओनली मेटल है? तो वो कौन सा? कॉपर है.
ऑन विच रिवर एंड इन विच स्टेट इज द जैकवाड़ी डैम सिचुएटेड। देखिए ये क्वेश्चन भी हम लोग ज्योग्राफी की लेक्चर में पढ़े हैं, जैकवाड़ी डैम कहाँ पे है, कौन सी नदी पे है, तो ये कुछ जैकवाड़ी है महाराष्ट्र में, कौन सी नदी पे, गोदावरी रिवर पे। हु इज द फर्स्ट जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी हुज रिटायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एज द आर्म फोर्स ऑफ वेटरन डे एवरी ईयर। बताइए किसके याद में बनाया जाता है, तो वो है जनरल के एम करियप्पा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज कंसिस्टेंटली सीन टू बी मोस्ट एबंडेंट इन ए वॉल्केनिक इरप्शन, कौन सा गैस है, तो है वाटर वेपर। मेहरुनिसा वाज नोन एज नूरजहां एज द वाइफ ऑफ, किसकी वाइफ थी ये नूरजहां, जिसको मेहरुनिसा भी इनका एक अलग नाम था, तो किसकी बेगम थी ये, तो ये थी जहांगीर की बेगम। विच लीडर गिव्स अस द सी आर फार्मूला, देखिए सी आर फार्मूला कौन सा लीडर ने दिया है, तो वो दिए हैं सी राजगोपालाचारी ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू कॉल मैच फिक्सिंग ए क्राइम, कौन था वो पहला कंट्री साउथ एशियन का, तो था श्रीलंका। इन विच ईयर डिड द डीसी सरकार पब्लिश इंडियन इपीग्राफी एंड इंडियन इपीग्राफिकल ग्लोसरी, कब किए थे ये, किए थे 1967 से 68। व्हेन डिड द विक्रम एरा बिगिन, कब हुआ था विक्रम एरा बिगिन, 57 बीसी में हुआ था। हु विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कुतुब कम्प्लेक्स, बताइए इसमें से कौन सा कुतुब कम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, ये कुतुब मीनार तो होगा, ये कुतुब है, कुवत उल इस्लाम ये भी होगा, अलाई दरवाज़ा ये भी होगा, बुलंद दरवाजा ये नहीं है कुतुब कम्प्लेक्स का पार्ट, तो बुलंद दरवाजा हो जाएगा आंसर हमारा। विच ISO सर्टिफिकेशन पैटर्न्स टू इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ये देखिए कुछ ये ज़्यादा ही अलग क्वेश्चन पूछ दिया है ये, तो क्या होगा इसका 14001। इन विच ईयर नवाड स्टेबलाइज, नवाड कब फॉर्म हुआ था, तो ये फॉर्म हुआ था 1982 को। अंडर विच आर्टिकल कैन द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से आर्टिकल में ये दिया गया है कि पार्लियामेंट जो है अमेंडमेंट कर सकता है, तो आर्टिकल 368। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फूड ट्यूब, कौन सा इसमें से फूड ट्यूब है, तो वो है ओसोफोगस, ये देखिए सारा क्वेश्चन बायोलॉजी में मिलेगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर, बताना है कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन है, इसके बारे में हम लोग पूरा बायोलॉजी में पढ़े हुए हैं, तो कौन है ब्रह्मणी नदी। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज एसोसिएटेड विद द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ द मराठास, भैया मराठा में टैक्सेशन सिस्टम का क्या नाम था, तो वो था चौथ एंड सारिसमुखी। द एक्ट दैट ट्रांसफर द पावर फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया वाज, कब दिया गया था ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, तो दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को। द शास्त्र रामानुजन प्राइज इज अवार्डेड इन द फील्ड ऑफ, ये तो सबको पता होगा रामानुजन किससे संबंधित थे, मैथमेटिक्स से। द एराइड फोर्स फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ रिलेटेड है ये हमारा जोधपुर में है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद भूटान, देखिए सारा क्वेश्चन हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े हैं, बताइए भूटान से कौन सा शहर राज्य नहीं सटता है इंडिया का, देखिए बचपन में MBA का ट्रिक था, तो MBA बी भूटान सेकेंड लास्ट है, तो इसका परे तो 146246, तो सिक्किम और वेस्ट बंगाल तो रहेगा ही, ठीक है मेघालय नहीं सटता, ये मेघालय सिर्फ सटता है एक ही राज्य से, वो है बांग्लादेश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेरिटेज साइट ऑफ मध्य प्रदेश, बताइए मध्य प्रदेश का हेरिटेज साइट कौन है, देखिए अगर आपको इसका हम लोग पढ़े थे भीमटेका नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, तो भीमटेका। द बैटल ऑफ चौसा वाज फॉट बिटवीन हुमायूं एंड, बताइए 1539 में जो फाइट हुआ था हुमायूं और किसके बीच में हुआ था, शेरशाह सूरी के बीच में।
हाउ मेनी डिग्री डज द अर्थ रोटेट अबाउट ओन एक्सिस इन वन आवर। देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं कि वन डिग्री जो होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है, तो ये पूछ रहा है कि कितना डिग्री होगा, तो 60 मिनट पूछ रहा है तो 15 डिग्री। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिफेक्शन अनदर पार्टी आफ्टर इलेक्शन मेड इलीगल। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से अमेंडमेंट में ये लाया गया था, तो ये 52 अमेंडमेंट में। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेल विच इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस नेवर होल्ड्स मोर देन एन इलेक्ट्रॉन्स वेयर एन इज इक्वल टू। क्या होगा एन के वैल्यू, जैसे जो पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन फिट हो सकता है, तो 2। विथ विच स्पोर्ट इज अर्चना कामत एसोसिएटेड। बिलोंग करती है स्क्वैश से। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वार, बताइए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड एंग्लो मैसूर वार अगर आपको याद होगा तो अब आंसर तक आराम से पहुंच सकते हैं। कब हुआ था ये, 1780 से 1782 के 84 के टाइम हुआ था ये, नहीं 1790 से 1792 के टाइम हुआ था थर्ड एंग्लो मैसूर वार। और चौथा कब हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था 1799 में, उस टाइम कौन थे वायसराय बंगाल के गवर्नर जनरल, तो वो थे वेलेजली। तो इस टाइम कौन थे, तो इस टाइम थे कार्निवालिस थे। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट ट्रांसलेटेड द भागवत गीता टू इंग्लिश, कौन से थे जो भागवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे, तो वो थे चार्ल्स विल्किंस। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, बताइए किसका सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, तो वो टीन का। हु अमंग द फ्लोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड केवलर, बताइए कौन साइंटिस्ट इन्वेंट किया था केवलर को, तो इन्वेंट किया था स्टेफन लुइस कोलक ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिमूव द ग्रीन कलर फ्रॉम ग्लास, द ग्रीन कलर कौन रिमूव करता है ग्लास से, रिमूव करता है सिलिकॉन ऑक्साइड। हाउ मेनी टाइप ऑफ आइसोटोप्स डज स्कैंडियम हैव, कितने टाइप है आइसोटोप स्कैंडियम का, बताइए कितने आइसोटोप है इसका, इसका 13 आइसोटोप है, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट ए मिनिस्टर ऑफ ए कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ये कौन नहीं था उसमें से मेंबर, देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, तो कौन नहीं थे, लॉर्ड वेवल। देखिए ये तीनों मुख्य थे, लॉरेंस क्रिप्स और अलेक्जेंडर, वेवल नहीं थे, याद रखिएगा वेवल नहीं थे। इन विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट द लाई हरोबा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, बताइए कहाँ होता है, ये होता है मणिपुर में। विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कौन सा आर्टिकल है ये, तो आर्टिकल 143 है ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वेयर टू एडिशनल कमिश्नर अपॉइंटेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, बताइए कब इलेक्ट किया गया था कि दो मेंबर और रहना चाहिए इलेक्शन कमीशन में, तो किया गया था 1998 को। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बताइए कौन सा इसमें इंसुलेटर नहीं है। इसका आप हमें कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। विथ रिफरेंस टू द वेदांगास विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म डिनोट रिचुअल, कौन सा वर्ड बिलोंग करता है रिचुअल, तो कल्प। वेयर इज द धर्मराज रथ मॉन्यूमेंट लोकेटेड, देखिए धर्मराज रथ कहाँ मॉन्यूमेंट लोकेटेड, तो हम लोग पढ़े थे पांचों रथ कहाँ है, महाबलीपुरम में। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद बांग्लादेश, देखिए सारा क्वेश्चन हम लोग पढ़े हुए हैं, तो कौन सा है, तो कौन सा है मणिपुर, देखिए असम त्रिपुरा मेघालय ये सब सटता है, मणिपुर नहीं सटता है। द प्रीत्ज़िकर प्राइज इज एन इंटरनेशनल अवार्ड गिवन टू रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ, कौन से फील्ड में दिया जाता है ये अवार्ड, तो ये दिया जाता है आर्किटेक्चर के फील्ड में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म द
धौनाधर वाटरफॉल नियर जबलपुर। ये देखिए जबलपुर अगर आपको पता है कहाँ है तो ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का लाइफलाइन किसे बोला जाता है, तो बोला जाता है नर्मदा को। तो आप यहाँ से इस तरीके से पहुँच सकते हैं आंसर तक। द पावर ऑफ लेंस इज टू डैप्टर, डी स्टैंड फॉर, देखिए आंसर पता चल गया आपको। तो डी क्या है इसमें, डैप्टर ही, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ डांस फ्रॉम एंड इट्स स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्लोजेस्ट टू डैट ऑफ क्राउन ग्लास, बताओ कौन सा है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्लोजेस्ट है क्राउन ग्लास से, तो है कनाडा बालसम। द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ सितंबर 1920 वाज हेल्ड एट, कहाँ पे हेल्ड हुआ था, ये हुआ था कलकत्ता में। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड, सबसे पहला अमेंडमेंट कौन से साल हुआ था बताइए, तो ये हुआ था हमारा 1951 में। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन सिक्किम, बताइए कौन सा मोनेस्ट्री सिक्किम में लोकेटेड है, लोकेटेड है रुमतक। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं सो बोलते हैं साइटोलॉजी। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी डायग्नोज विद द वाइडल टेस्ट, बताइए कौन सा है वाइडल टेस्ट रिलेटेड, तो यह है टाइफाइड फीवर। ए सिचुएशन वेयर द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड इट्स रेवेन्यू इज नोन एज, क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे डिफिसिट फाइनेंसिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय वायरस नेम वरीसेला, देखिए ये क्वेश्चन हम लोग जो बायोलॉजी में पढ़े हैं, तो कौन सा वायरस है ये, तो ये है चिकन पॉक्स। कैग बिलोंग टू विच आर्टिकल, बताइए कैग कौन सा आर्टिकल बिलोंग करता है, तो 148 आर्टिकल से। ऑन विच लेक इज द वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड, बताइए कौन से लेक पर सिर्फ एकमात्र पोस्ट ऑफिस फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड है, कौन से लेक पर, तो वो है दाल लेक। द टाइडल माउथ ऑफ रिवर वेयर फ्रेश एंड स्लाइन वाटर इज गेट मिक्सड इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, सो बोलते हैं इस्तूरी। देखिए आपको अगर शेड्यूल पर याद रहेगा तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट के बारे में बोला जाता है, सही है। सेकंड शेड्यूल ये नहीं बोला जाता है, ये गलत हो गया, लेकिन ये भी आपको याद करना जरूरी है। फोर्थ शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल रहता है, और थर्ड शेड्यूल में शपथ ग्रहण रहता है, और सेकेंड में रहता है ये अमाउंट के बारे में रहता है, पैसा के बारे में, कौन से जैसे राष्ट्रपति का वेतन आए, प्राइम मिनिस्टर का वेतन के बारे में, जितना भी विधायक सांसद हो सब के वेतन के बारे में दिया रहता है सेकंड शेड्यूल में। इन विच ईयर डिड द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस, तो सबसे पहला 30 में, फिर 31 में, फिर 32 में, तो तीसरा 1932। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, कौन रिमूव करता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को, तो रिमूव करेगा वो वाशिंग सोडा। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया आर द पतकाई बम हिल्स लोकेटेड, ये पतकाई बम हिल्स कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से एरिया में, तो लोकेटेड हमारा ईस्टर्न पार्ट में। हु अमंग द फॉलोइंग नोन एज आंध्र केसरी, बताइए आंध्रा केसरी कौन जाने जाते हैं इस नाम से, तो जाने जाते हैं टी प्रकाशम। हु डिस्कवर सेल इन ह्यूमन बॉडी, कौन डिस्कवर किए थे सेल को, तो डिस्कवर किए थे हेबर्ट स्पेंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर इज एसोसिएटेड विद द तिब्बत होम थ्योरी ऑफ द आर्यन, ये देखिए आर्य समाज का कौन स्थापना किए थे, तो किए थे दयानंद सरस्वती जी ने। उसमें क्वेश्चन में पूछा है, लेकिन मेन मकसद आर्य वर्ड आपको दिखा तो इस तरीके से आप आंसर तक पहुँचिए। इन विच स्टेट द जाऊगाडा रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका इज लोकेटेड, कहाँ पर लोकेटेड है जाऊगाडा रॉक, कहाँ लोकेटेड है ये, लोकेटेड उड़ीसा में। अकॉर्डिंग टू द जैन फिलोसफी द टर्म जीना मीन्स, क्या होगा द टर्म जीना मीन्स क्या होगा, तो होगा द कंकरर।
हु अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये देखिए एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कौन नियुक्त करता है, नियुक्त करता है गवर्नर। नेम द डेंसेस्ट स्टेबल एलिमेंट नॉन ऑन अर्थ, कौन सा सबसे डेंसेट एनिमल है, एलिमेंट है, तो है ऑस्मियम। तो स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड बाय, कौन फाउंड किए थे, तो जिसका बस याद कर लीजिए आप, तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जी ने फॉर्म किया था स्वराज पार्टी को। द मिशन ऑफ द रामसर कन्वेंशन इज टू कंजर्व, किसके लिए ये मिशन है, तो मिशन है वेटलैंड के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट फाइंड ए प्लेस इन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, जो नेशनल एम्बलम है हमारा भारत का, उसमें से कौन सा जानवर अंकित नहीं है उस पर, तो कौन सा जानवर है वो है कैमल। व्हाट इज द बाउंड एंगल इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल, क्या है बाउंड एंगल। तो हमारा 120 डिग्री है, सॉरी 150 डिग्री है बाउंड एंगल। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट डिराइव इट्स नेम फ्रॉम द एपोनियमियस हेडक्वार्टर टाउन फाउंडेड बाय डैश इन द 14th सेंचुरी, हु नेम्ड इट आफ्टर सन फतेह खान, तो बताइए कौन थे वो, तो थे फिरोज शाह तुगलक। डैश आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, कौन है पावर हाउस ऑफ द सेल, तो है माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट डज द रेट ऑफ मंडमस मीन, क्या मतलब है मंडमस का, विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर इज कॉल्ड द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बताइए कब कौन से ईयर को बोला गया है, ये ईयर है 1921। नेम द फर्स्ट एक्टर टू विन द ऑस्कर अवार्ड, बताइए कौन सा फर्स्ट एक्टर है जो ऑस्कर अवार्ड जीता है, तो वह इमिल जेनिंग्स। नेम द ऑथर ऑफ द बुक आईने अकबरी, एक अकबरी के 9 रत्न थे, उसी में से एक रत्न था अबुल फजल जो कि यह बुक लिखा है। व्हाट इज द येलो डस्ट प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ फ्लावर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं पोलन। जयप्रकाश नारायण म्यूजियम ऑफ सोशलिज्म इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे सिचुएटेड है, सिचुएटेड है लखनऊ में। हु डिज़ाइन द लोगो फॉर लोकपाल इन इंडिया, कौन डिज़ाइन किया है उसका लोगो, डिज़ाइन किया है प्रशांत मिश्रा ने। व्हाट इज द पास एट द साउदर्न एंड ऑफ द नीलगिरी हिल्स कॉल्ड, हम लोग ने ये पढ़ा है ये क्वेश्चन ज्योग्राफी सीरीज में, तो क्या है पलक्कड़ गैप। इन विच ईयर डिड द पोर्तुगीज कैप्चर गोवा, कौन से साल में पुर्तगाली ने गोवा पे कैप्चर किया था, तो किया था 1510 AD में। द पैथेन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज ऑन रिवर, कौन से रिवर पे है, बताइए क्या होगा, ये जो हमारा है ये हमारा महाराष्ट्र में है, तो कौन सी नदी पे है, ये गोदावरी नदी पर, पाइथन हाइड्रोलिक पावर। हु साइन द ट्रीटी ऑफ अली नगर विद द ब्रिटिश, कौन साइन किया था ब्रिटिश के साथ, तो साइन किया था सिराजुद्दौला। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर नॉन एज पुरुसुनी इन द वैदिक पीरियड, एंशियंट टाइम में पुरुसुनी नदी कौन से अभी के नाम पर जानी जाती है, तो अभी क्या है नाम उसका, तो अभी है रावी नदी। विच टेल्स आर रिलेटेड विद द पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर ऑफ द अजंता कैब्स, तो क्या है जातक कैब। हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ ATP आर ऑब्टेंड बाय द रिस्पायरेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, देखिए वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कितना ATP मॉलिक्यूल ऑब्टेंड होता है, तो वो होता है 2। द रेटिंग फॉर ए फ्यूज यूज इन ए हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, तो करेंट पे। इन विच स्टेट इज द फेस्टिवल ऑफ उत्तरायण यूनिकली सेलिब्रेटेड, बताइए उत्तरायण कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है ये फेस्टिवल उत्तरायण, देखिए नारायण कितना भी नारायण से है माधवपुर ये सारा गुजरात में पड़ेगा आपका, तो गुजरात में। अंडर विच
अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्पोज। देखिए कौन से अमेंडमेंट में जीएसटी को इम्पोज किया गया था, वो था 101वां अमेंडमेंट। कॉन्स्टेंटेंट इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड, किसका किसका किस किस से मिलकर बनाया ये, तो कॉपर एंड निकल से मिलकर। विच अमंग द फ्लोइंग इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बताइए कौन सा है इसमें से वो वेस्ट होता है जो कभी नष्ट नहीं होता, तो कौन सा है वो, प्लास्टिक। हु अमंग द फ्लोइंग इनिशिएटेड दीन इलाही, कौन किए थे ये, तो अकबर। द क्याकी हते ओई पैगोडा इज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है ये लोकेटेड है म्यांमार में। विच ऑफ द फ्लोइंग मोन्यूमेंट बियर्स ए सिमिलरिटी टू द फ्रेंच वॉर मेमोरियल द आर्क डे ट्रम्प, कौन सा सिमिलरिटी है बताइए, तो वो है इंडिया गेट जो कि इसके सिमिलर में है। डैश वॉज द होस्ट कंट्री ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप, कौन था होस्ट कंट्री, तो उरुग्वे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इनर्ट गैस मोस्ट कॉमनली फाउंड इन लाइट बल्ब्स, तो कौन सी इनर्ट गैस है जो लाइट बल्ब में फाउंड होता है, तो वो है हमारा आर्गन, क्योंकि इनर्ट गैस आपको यही ऑप्शन में दिख रहा है। क्रिस्टान बर्नार्ड इज ए फेमस फॉर, ये क्रिस्टान बर्नार्ड किसके लिए फेमस है, तो फेमस है परफॉर्मिंग द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए। द फर्स्ट विंबलडन चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन, कब हुआ था फर्स्ट विंबलडन चैंपियनशिप, ये हुआ था 1877 में। स्नेल बिलोंग टू द फाइलम, स्नेल कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, तो बिलोंग करता है मोलुस्का से। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए बीच ऑफ गोवा, बताइए गोवा का बीच इसमें से कौन सा है, तो है पलालोम। हेमोफोबिया इज द फियर ऑफ, देखिए हेमोफोबिया किस चीज़ का फियर है, हेमोफोबिया मतलब हेमोग्लोबिन, हेमो तो ब्लड का। क्रोकोडाइल हैव डैश चैम्बर ऑफ हार्ट, कितना चैम्बर रहता है क्रोकोडाइल का, तो रहता है 4। द स्पाइस सिनामोन इज नेटिव टू, कहाँ पे बताइए, इज नेटिव टू श्रीलंका। आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द प्रोविंशियल रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, बताइए इसका आप हमें कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, क्योंकि कुछ कुछ जवाब आप जब आप खुद से सर्च मार के देखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा और उसका जवाब आप हमें बताइएगा। डैश डांस फॉर्म बाय बुद्धिस्ट टू वर्ड्स ऑफ इविल्स स्प्रिट इज अ डांस फॉर्म ऑफ हिमाचल प्रदेश, देखिए कुछ नहीं पूछ रहा, इसमें पूछ रहा है आपसे हिमाचल प्रदेश का इसमें से डांस कौन सा है, तो कौन सा है ये, छाम। द मूसी एंड भीमा आर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर, देखिए भीमा भीम किससे के साथ रहता है, पांडव तो उसके साथ कौन थे, कृष्ण जी, तो कृष्णा नदी के ये सब ट्रिब्यूटरी हैं। द मालीमत कमेटी रिपोर्ट डील्स विथ, कौन से रिपोर्ट को डील्स करता है ये, तो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म। विच कंट्री वॉज फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कौन सा ऐसा पहला कंट्री है जो जीएसटी लगाया था, तो वो है हमारा फ्रांस। विच ऑफ द फ्लोइंग माइन इन द बदाम, बदाम पहाड़ माइन इन उड़ीसा, बताइए किस चीज़ का पहाड़ है वहाँ पे, तो वो है हेमाटाइट का। टिस्को वाज एस्टेब्लिश इन, टिस्को कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1907 को। हु वाज द फर्स्ट फीमेल डीजीपी इन पुडुचेरी, कौन थी फर्स्ट फीमेल डीजीपी, तो वो थी सुंदरी नंदा। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस वाज रूल्ड बाय द वाडिया डायनेस्टी, बताइए कौन सा प्लेस रूल किया था वाडिया डायनेस्टी, रूल किया था ये मैसूर। नेम द फर्स्ट एवर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट हुम द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट वॉज इंट्रोड्यूस इन टू पार्लियामेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहली ऐसी सुप्रीम कोर्ट की जज है जिसपे महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, तो कौन थी वो, जस्टिस रामास्वामी। विच क्यून डाई फाइटिंग मुगल आर्मीज वाइल डिफेंडिंग करक कतंगा इन 1564, तो कौन सी रानी थी वो थी रानी दुर्गावती। थोड़ा स्पोर्ट डांस बिलोंग
टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, बताइए कौन से स्टेट का ये स्पॉट आंसर, थोड़ा कहाँ का है बताइए। तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश का है थोड़ा डांस, क्योंकि वहाँ लोग बहुत बर्फ है, हिम मतलब बर्फ, तो वहाँ जब बर्फ़ रहता है तो आदमी थोड़ी ज़्यादा डांस करेगा, थोड़ा थोड़ा ही डांस करेगा बर्फ़ पे। तो इस तरीके से आप याद करने का बस तरीका सोचिएगा। द इंडियन नेशनल एसोसिएशन वॉज इस्टेब्लिश इन 1876, सबसे पहले इंडियन नेशनल एसोसिएशन कब फॉर्म हुआ था 1876 को, कहाँ, कोलकाता में। तो कौन फॉर्म किए थे, ये आनंद मोहन बोस ने। द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, कहाँ से लिया गया है ये आइडिया, लिया गया है कनाडा से। नेम द पास इन उत्तराखंड विच इज यूज्ड बाय पिलग्रिम्स टू कैलाश मानसरोवर यात्रा, तो क्या ये अभी चर्चा में भी है ये दर्रा, तो कौन सा दर्रा है ये, लिपुलेक दर्रा। विच पैनल सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सजेस्टेड टोटल डी कंट्रोल ऑफ द शुगर इंडस्ट्री, कौन सा पैनल कंट्रोल करता है इसको, तो वो है रंगारंजन पैनल। इन इंडिया द प्रोजेक्ट टाइगर इज स्टार्टेड इन, कब स्टार्ट हुआ था 1973 को। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज ए स्ट्रॉन्ग फ्रूटी फ्रेगनेंस, किसका है स्ट्रॉन्ग फ्रूटी फ्रेगनेंस, ये हमारा इथाइल एसीटेट का। नेम द ग्लैंड दैट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ अदर्स एंडोक्राइन ग्लैंड, देखिए इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, तो कौन सा ग्लैंड है ये, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये देखिए ये भी हमने बायोलॉजी के क्वेश्चन में पढ़ा है सीरीज में। हु वाज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, कौन है फाउंडर चालुक्य डायनेस्टी का, अभी हम लोगों ने हिस्ट्री और पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट नहीं की है, अभी इसके ख़त्म होने के बाद केमिस्ट्री फिर हिस्ट्री फिर पॉलिटी की हम लोग पूरी की पूरी ख़त्म कर देंगे, तो ये सारी क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो चालुक्य डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, तो वो है पुलाकेशिन फर्स्ट, इसलिए घबराने की बात नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिलोंग टू विच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल से बिलोंग करता है, ये देखिए सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको पॉलिटी हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर के जो हम लोग करवाएंगे 800+ क्वेश्चन, वो सारा का सारा उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो किससे बिलोंग करता है ये, आर्टिकल 44 से। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ द मोनार्कियल स्टेट डेट एग्जिस्टेड इन द 7th एंड अर्ली 6th सेंचुरी बीसी इन इंडिया, तो कौन सा नहीं था वो स्टेट, वो था वैशाली। नेम द स्टेट चंद्रगुप्त फर्स्ट गॉट इन डोरी फ्रॉम लिच्छवी, बताइए तो कौन सा राज्य मिला था इसको, तो मिला था पाटलिपुत्रा। मिहिर भोजा वाज द रूलर ऑफ, मिहिर भोजा कहाँ के रूलर थे, वो थे प्रतिहार के। बगलिहार डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, देखिए बगलिहार डैम सबसे पहले कहाँ पे, यह है जम्मू कश्मीर में, और ये कौन से रिवर के ऊपर है, यह है चेनाब नदी के ऊपर। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सेंटर स्टेट रिलेशन मेंशन, कि कौन सा पार्ट में दिया गया है ये सेंटर स्टेट रिलेशन का, तो ये पार्ट 11 में दिया गया है आर्टिकल 245 से 255 के बीच में। हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट इन इंडिया, देखिए स्टेट हाई कोर्ट से पूछ रहा है, अगर आपसे पूछा जाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का तो फातिमा बीबी थी, लेकिन आपसे पूछ रहा है हाई कोर्ट का तो कौन थे वो, लीला सेठ जी। द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इनटू आई कैन बी कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय, देखिए कौन करता है ये वर्क, तो वो है प्यूपिल। मिथुन एक कैटल ब्रेड इज फाउंड इन, देखिए मिथुन एक नाम हुआ और अरुण भी एक नाम हुआ, तो अरुणाचल प्रदेश से। विच सेल इन आवर बॉडी आर प्रॉपरली पॉपुलरली कॉल्ड सोल्जर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, देखिए कौन सा है ये, तो ये हमारा वाइट ब्लड सेल है, जो कि जितने भी बीमारी होता है जो भी अंदर आता है तो वो लड़ता है, यही है WBC लड़ता है, इसीलिए इसको सोल्जर ऑफ बॉडी बोला जाता है। विच हार्मोन लीड्स टू एक्सप्लोजन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट ड्यूरिंग सकलिंग, तो कौन सा हार्मोन निकलता है उससे, देखिए मिल्क का बात है तो मिल्क से उसमें कौन सा प्रोटीन रहता है उसमें, उसमें रहता है लैक्टोज, ठीक है, तो लैक्टोज से लैक्टिन वाला, तो प्रोलैक्टिन। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय, कौन फाउंड किया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तो फाउंड किया था धर्मपाल ने, कहाँ, भागलपुर में है ये। विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रॉय ओजोन लेयर, ओके ओजोन लेयर कौन डिस्ट्रॉय करता है इसमें से, वो डिस्ट्रॉय करता है हमारा क्लोरीन।
Das was the first Muslim ruler whose empire covered almost the whole of India up to its extreme south. मतलब साउथ तक अपना वो राजपाट ले गया था. तो कौन सा ऐसा मुस्लिम राजा था? वो था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि साउथ तरफ भी अपना राजपाट को ले गया था. द बदामी चालुक्य फर्स्ट हैड देयर कैपिटल एट डैस बिफोर दे मूव इनटू बदामी. बताइए कहाँ पे उसका पहले कैपिटल था? तो उसका पहले कैपिटल था ऐहोल. राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट अंडर डैस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 19 है. विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल? कौन सा जो सबसे मोस्ट डक्टाइल मेटल है? तो वो है हमारा गोल्ड. विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल? बताइए इसमें सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा दिख रहा है आपको? तो वो है कैल्शियम. विच इंडियन रिसीव द नोबेल पीस प्राइज आफ्टर मदर टेरेसा? मदर टेरेसा के बाद नोबेल पीस प्राइज पाने वाले भारतीय कौन थे? तो वो थे कैलाश सत्यार्थी. डैश स्टडी ऑफ प्लांट पोलन स्पोर्ट्स एंड सर्टेन माइक्रोस्कोपिक प्लैंटोनिक ऑर्गेनिज्म इन बोथ लिविंग एंड फॉसिल फॉर्म. क्या बोलते हैं इस स्टडी को? इस स्टडी को बोलते हैं पेलिनोलॉजी. डैश इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस. बताइए कौन सा है ब्रांच जूलॉजी का? तो वह हर्पेटोलॉजी. डैस इज द स्टडी ऑफ द सेल टिश्यू एंड ऑर्गन एज सीन थ्रू ए माइक्रोस्कोप. क्या बोलते हैं ऐसे स्टडी को? यह है हिस्टोलॉजी. काला भावना फाउंडेड इन 1919 इट इज लोकेटेड इन. कहाँ है काला भावना? काला भवन. बताइए. देखिए इसको इस तरीके से कर सकते हैं आप. जैसे देखिए काला भवन, हमारा अंधेरा कब होता है? जब सूरज जो है वेस्ट की तरफ चला जाता है तब ना हमारा अंधेरा छा जाता है. तो काला से वेस्ट इस तरीके से सोचिएगा तो वेस्ट बंगाल. कहाँ है वेस्ट बंगाल? विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट तवांग विथ ल्हासा? कौन सा पास कनेक्ट करता है तवांग विथ ल्हासा से? तो पास है हमारा बुमला पास, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है. द इन्वेंशन ऑफ दिल्ली बाय तैमूर इन डैश एडी मार्क द एंड ऑफ द तुगलक एम्पायर. ये कब आया था? ये आया था 1398 ईस्वी में. हु अमंग द फ्लोइंग वाज वन ऑफ द गवर्नर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय ये गवर्नर था, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक भी था वो. तो खिलजी के बाद तुगलक वंश ही आया, तो उसे गवर्नर कौन था? कियासुद्दीन तुगलक. वो फाउंडेड था सैयद डायनेस्टी. सैयद डायनेस्टी कौन फाउंड किया था? तो खिजर खान. वो फाउंडेड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन 17 दिसंबर 1931. कौन फाउंड किए थे ये फाउंड किए थे पीसी महालनोबिस. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रमोट्स इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल द सिटीजन? तो कौन सा आर्टिकल ये हमें बोलता है? तो आर्टिकल हमारा 39A. द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वॉज पास्ड इन. कब पास्ड हुआ था बैंकिंग रेगुलेशन? तो हुआ था 1949 को. इलेक्शन कमीशन वॉज बिलोंग टू विच आर्टिकल? तो ये कौन से आर्टिकल से बिलोंग करता है इलेक्शन कमीशन? तो आर्टिकल 324. विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वोकल फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का वोकल फॉर्म कौन नहीं है इसमें से? तो वो है पखावाज. ये नहीं है. तो कहाँ का है ये? ये केरला का है. द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ. देखिए सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन कौन है हमारा? तो हमारा सबसे हाईएस्ट ऊंचे पर दार्जिलिंग में. तो दार्जिलिंग कहाँ है? वेस्ट बंगाल में. द नेशनल बोर्ड ऑफ फॉर MSME माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज मीट्स वन एवरी मंथ इन ईयर. बताइए तो कितने बार? 6 बार मिलते हैं. डैश इज द ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्स आउटसाइड द यूनाइटेड किंगडम. कौन है सबसे ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्स? कोड
यूके के बाद, वो है रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब कोलकाता। विच ऑफ द फ्लोइंग आर एमंग्स द फ्यू कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नॉट क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक, बताइए इसमें से कौन सा ऑर्गेनिक क्लासिफाइड नहीं होगा, तो है साइनाइड्स। इन विच ऑफ द फ्लोइंग फोर्ट्स ऑफ राजस्थान 36 आर बिल्ट इन ऑनर ऑफ जयमाल एंड काला हीरोज हु लेड डाउन देयर लिव्स इन द 1516 सिख बाय एम्परर अकबर, बताइए। तो 36 से चित्तौड़गढ़ फोर्ट। द लीडर ऑफ भक्ति मूवमेंट फोकसिंग ऑन लॉर्ड रामा वाज, बताइए कौन थे, वो थे रामानंदा। मेटल ऑक्साइड आर डैश इन नेचर, कैसा नेचर रहता है मेटल ऑक्साइड का, वो रहता है बेसिक इन नेचर रहता है। द टर्म जात एंड स्वर आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, बताइए जाट एंड स्वर कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से बिलोंग करता है, तो वह है मनसबदरी सिस्टम। द विवेकानंद रॉक मेमोरियल इज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल, लोकेटेड है कन्याकुमारी में। टी सुनामी इज काउज्ड बाय, सुनामी किस वजह से होता है, तो ये होता है अंडर वाटर वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से। विच सिटी इन इंडिया इज द लीस्ट पॉपुलेटेड अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, 2011 सेंसस के अनुसार क्या है हमारा आंसर, आंसर हो जाएगा कपूरथला। पोलिनेशन बाय बर्ड्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। डैश ए डैश अकर व्हेन ए गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड द रेवेन्यू दैट इट जनरेट एक्सक्लूडिंग मनी फ्रॉम बोरोइंग, तो क्या हो जाएगा वो, तो हो जाएगा फिस्कल डिफिसिट। हु वन द नोबेल प्राइज इन 1906 फॉर हिज न्यूरॉन डॉक्ट्रिन, किसे मिला था ये, ये मिला था सेंटियागो रेमन वाई काजल को। विलियम क्रूक्स वाज ए फिजिकल केमिस्ट हु डिस्कवर्ड एंड नेम द एलिमेंट, किस कौन से एलिमेंट का डिस्कवर किए थे और नाम रखे थे, वो था थैलियम। विच इंडियन मोन्यूमेंट वाज बिल्ट बाय महाराजा सवाई प्रताप सिंह इन द ईयर 1799, उस टाइम चौथा एंग्लो मैसूर वार हो रहा था जिस टाइम से टीपू सुल्तान मारे गए थे और वायसराय कौन थे वेलेजली, तो क्या बना था उस टाइम, हवा महल। विच रिवर पासेस थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्री, देखिए कौन सा रिवर है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्री से पास होता है, तो वो है डेन्यूब। हु वाज द फिफ्थ ऑफ द 10 सिख गुरु, दसवें सिख गुरु में पाँचवें नंबर पर कौन थे, तो कौन थे गुरु अर्जुन देव, सबसे पहले कौन थे गुरु नानक देव और दसवें गुरु गोविंद सिंह। द अलमाटी डैम प्रोजेक्ट ऑन द कृष्णा रिवर वॉज एन इशू बिटवीन विच स्टेट, देखिए कृष्णा रिवर आपको पता होगा कौन से राज्य में चलता है तो आप इसका आंसर आसानी से लगा सकते हैं, तो कौन से बीच में, देखिए सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश होगा ही, ठीक है तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में विवाद हो रहा है। द कुतुब मीनार वॉज नेम्ड आफ्टर द सूफी संत, कुतुब मीनार किस सूफी संत के नाम पे पड़ा था, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी के नाम पे। हु डिसाइड ऑन द इशू रिलेटेड टू द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ लोकसभा अंडर 10th शेड्यूल, देखिए दसवीं अनुसूची में जो दल बदल कानून है उस इशू पर चर्चा कौन कर सकता है इसमें से, तो वो स्पीकर है। हु इन्वेंटेड द एटॉमिक बैटरी, देखिए आपसे नॉर्मल अगर बैटरी पूछा जाए तो वो डिस्कवर किए थे एलेक्जेंड्रा वोल्टा, अगर आपसे पूछा जाए एटॉमिक बैटरी तो ये किए थे हेनरी मोसले। व्हाट डज लॉरेंज कर्व इंडिकेट, लॉरेंज कर्व क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। डैश बिल्ड द वर्ल्ड फेमस हरिमंदर साहिब पॉपुलरली नोन एज द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर, तो कौन बनाए थे ये, तो बनाए थे हमारे सिख के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव। द थ्योरी डेट डायनासोर्स वेयर ड्राइवन टू एक्सटेंशन बाय द आफ्टर मैथ ऑफ ए लार्ज एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट ऑन अर्थ वॉज गिवन बाय, तो कौन दिए थे ये थ्योरी, ये दिए थे लुइस एल्वारेज। डैश वॉज द फर्स्ट पर्सन टू आइसोलेट मिथेन गैस, ही डिस्कवर्ड डैट मिथेन मिक्सड विथ एयर क्लक एयर कुड बी एक्सप्लोटेड यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्पार्क,
कौन बताए थे ये चीज? ये बताए थे एलेक्जेंड्रा वोल्टा, वन ऑफ द प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया, डैश स्तूप एट सारनाथ, हु कंस्ट्रक्टेड द ग्रेट मौर्यन किंग अशोका। तो कौन सा है ये, कौन सा स्तूप है ये? ये स्तूप है धामेक स्तूप। स्पेशल ओलंपिक हेल्ड एवरी ईयर, मतलब स्पेशल ओलंपिक, ऐसे तो सारा ओलंपिक चार साल में होता है, एशियन गेम्स चार साल में, कॉमनवेल्थ चार साल में, विंटर ओलंपिक, समर ओलंपिक चार साल में, लेकिन जो स्पेशल ओलंपिक है ये हमेशा दो साल में होता है। द पावर टू सुमोन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द, तो सबको पता होगा इसका आंसर, तो क्यों ना प्रेसिडेंट। डैश पास कनेक्ट उत्तराखंड एंड तिब्बत एंड इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ गंगोत्री, बताइए। तो कौन सा दर्रा है ये? दर्रा है मूलिंगला। इन हिज पीरियोडिक टेबल मेंडेलीव कुड नॉट असाइन ए करेक्ट पोजिशन टू, मेंडेलीव जो अपने पीरियोडिक टेबल में किसका पोजिशन असाइन नहीं कर पाए थे, तो वो था हाइड्रोजन का। ए नॉटिकल माइल इज इक्वल टू, एक नॉटिकल माइल किसके कितने बराबर होता है, तो बराबर होता है 1852 मीटर के। डैश स्ट्रेट सेपरेट्स द आइलैंड ऑफ जावा एंड सुमात्रा, कौन सा स्ट्रेट सेपरेट करता है? वो करता है सुंडा स्ट्रेट। इट वॉज अंडर द रीजन ऑफ डैश डैट द मुगल एम्पायर रीच इट्स पीक इन मैटर ऑफ एरिया, बताइए एरिया के हिसाब से कौन सा ऐसा राजा जो सब ज़्यादा एरिया, मतलब ज़्यादा एरिया तक पहुँच चुका था, तो वह है औरंगजेब। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन रिसेप्टिनेट ऑफ द प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज, सबसे पहला कौन व्यक्ति है पुलित्जर प्राइज पाने वाला भारतीय, तो वह हमारे गोविंद बिहारी लाल। ऑफ विच इंडियन स्टेट इज गामोचा एक कल्चरल फेस्टिवल, गामोचा बताइए कहाँ का फेस्टिवल है ये गामोचा, तो ये असम का है। हाउ मेनी मेंबर प्रेजेंट इन द श्रीलंका पार्लियामेंट, बताइए श्रीलंका पार्लियामेंट में कितने मेंबर प्रेजेंट हैं, तो वह हमारा है 225। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, ये कौन सा ऐसा प्लेयर है? तो प्लेयर था रामानाथन कृष्णन। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, देखिए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन था, वो था इस्कंदर मिर्जा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्टिगल ऑर्गन, तो इसमें से वेस्टिकल ऑर्गन कौन है इसमें से, तो ये हमारा अपेंडिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड, तो ये कौन सा कंट्री है जिसका लार्जेस्ट पार्लियामेंट है वर्ल्ड का, तो वह चाइना। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द ओरियन कॉन्स्टिलेशन, ये सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन है ओरियन कॉन्स्टिलेशन का, तो वह है रिजल। महात्मा गांधी फॉर्म द नेटल इंडियन कांग्रेस इन द ईयर, देखिए नेटल इंडियन कांग्रेस महात्मा गांधी जी ने कब फॉर्म किया था, तो कब फॉर्म किया था ये, किया था 1894 में। द फर्स्ट एंग्लो बर्मिज वार, मतलब एंग्लो बर्मा वार इंडेड विद साइनिंग ऑफ द, कौन से ट्रीटी में इंड हुआ था एंग्लो बर्मा वार, तो ट्रीटी था ट्रीटी ऑफ यंदाबो। इन विच ईयर डिड द इंडिपेंडेंट इंडिया विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड इन द गेम ऑफ हॉकी, तो कौन से साल, तो 1948 में। द बांग्लादेश लिबरेशन वार एंडेड ऑन, देखिए बांग्लादेश लिबरेशन वार कब एंड हुआ था, तो ये एंड हुआ था 16 दिसंबर 1971 को। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बिजिएस्ट सी पोर्ट इन पाकिस्तान, बताइए सबसे बिजिएस्ट सी पोर्ट कौन है पाकिस्तान का, वह पोर्ट ऑफ कराची। जानकू इज ए यूनिक कल्चरल कस्टम फॉलो इन डैश एज ए सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, अरे जानकू कहाँ का यूनिक कल्चरल कस्टम है, ये है नेपाल का। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू, ये सबसे पहला व्यक्ति कौन थे रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले, तो वो थे आचार्य विनोबा भावे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द थर्ड स्टेज इन द मेटाफॉर्मेसिस ऑफ ए बटरफ्लाई, क्या है तो इसका थर्ड स्टेज क्या होता है,
जो होता है क्यूपा। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द बांग्लादेशी पार्लियामेंट इज, बताइए बांग्लादेशी पार्लियामेंट में कितना स्ट्रेंथ रहता है पार्लियामेंट का, तो रहता है 350। हाउ मैनी प्रोविंसेस इन इज द कंट्री ऑफ नेपाल डिवाइडेड इनटू, तो बताइए कितने प्रोविंसेस हैं नेपाल में, तो वो है 7। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द किंगडम ऑफ नेपाल, बताइए नेपाल के फाउंडर कौन है इसमें से, लेकिन नेपाल के फाउंडर पूछा है तो पृथ्वी नारायण शाह। द टर्म पुट यूज इन दिस स्पोर्ट, देखिए टर्म पुट जो है कौन से स्पोर्ट में यूज होता है, कि ये भी 4 वर्ड का है तो गोल्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज कार्निवोरस, बताइए कौन सा प्लांट है जो कार्निवोरस है, यह है वेनस फ्लाई ट्रैप। द खिलाफत मूवमेंट ऑफ 1920 वॉज ऑर्गेनाइज एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू, तुर्की इजिप्ट अफगानिस्तान इराक, क्या होगा, ये होगा हमारा तुर्की। हाउ मेनी कैनाइन टीथ डज एन एडल्ट हैव, कितना कैनाइन टीथ रहता है एडल्ट का, वो रहता है 4। मारफाटी सॉन्ग आर ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग ऑफ, देखिए मारफाटी कौन से कंट्री का ट्रेडिशनल सॉन्ग है, ये तो ये हमारा बांग्लादेश का। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टार इज नियरेस्ट टू द सन, कौन सा स्टार है जो सन के नज़दीक है, तो वह हमारा प्रोक्सीमा सेंचुरी। नेम द नेशनल बर्ड ऑफ भूटान, भूटान का नेशनल बर्ड कौन है, वह रावेन। विच ऑफ द फ्लोइंग क्रिएचर इज ओविपेरियस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कौन है, यह है फ्रॉग। हु वॉज द इंडियन आर्मी चीफ एट द टाइम ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वार, देखिए बांग्लादेश लिबरेशन वार कब इंड हुआ था, 16 दिसंबर 1971 को। अब पूछ रहा है कि उस टाइम इंडियन आर्मी चीफ कौन थे, तो ये कौन थे, ये हमारे सैम मानेकशॉ थे। फर्टाइल रिवर राइन एलुवियल सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर प्रोड्यूसिंग, देखिए ये क्वेश्चन भी हम लोगों को ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ा है, तो किसके लिए उपयोग होता है, ये राइस के लिए होता है। द एनर्जी ड्राइव फ्रॉम द हीट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, देखिए जो एनर्जी हीट से मिलता है, जो अर्थ से मिलता है हीट, उसको कौन सा एनर्जी बोलते हैं, उसको बोलते हैं जियो थर्मल एनर्जी। देखिए मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा ये जो तीनों स्टेट है, ये नॉर्थ ईस्टर्न एरिया एक्ट के तहत 1971 में बना गया है, याद रखिएगा मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा MMT। मणिपुर मतलब पैसा का बारिश हुआ, ठीक है ट्री से, त्रिपुर देखिए हो गया ना, त्रिपुरा मनी और मेघालय मतलब ट्री से पैसा का बारिश हुआ, ये याद रखिएगा 1971 में हुआ था। व्हेन द आउटपुट इज इक्वल टू जीरो द वेरिएबल कॉस्ट इज, ये भी जीरो हो जाएगा। काजी नजरुल इस्लाम इज द नेशनल पोएट ऑफ, बताइए काजी नजरुल इस्लाम कहाँ के नेशनल पोएट हैं, ये है बांग्लादेश के। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, तो बताइए कौन है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ फर्स्ट कौन था केरला का, ये थे EMS नंबोदरी पाद। द दीपू फास विच इज द ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया म्यांमार एंड चाइना इज ऑन दिस बॉर्डर लाइन, देखिए अब आपको अगर ये सब नहीं पता रहेगा तो आपको इंडिया चाइना का बॉर्डर का नाम पता है ना क्या होता है, तो मैकमोहन होता है तो मैकमोहन लाइन, इस तरीके से आप पहुंच सकते हैं आंसर के तक। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना, कौन थे फर्स्ट प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ चाइना के, जो थे युआन सिकाई। कनाडियन डांस फॉर्म इन विच कंट्री, बताइए कनाडियन डांस फॉर्म कौन से कंट्री का है, यह है श्रीलंका का। डेरिंग बडी हिल स्टेशन लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ, बताइए डेरिंग बडी हिल से स्टेशन कहाँ पर लोकेटेड है, लोकेटेड है उड़ीसा में। अकॉर्डिंग टू डैस प्रेशर इज इक्वल टू द फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, तो कौन सा लॉ डिवाइड बताता है, ये बताता है हमारा पास्कल्स लॉ। इन विच प्रोविंस ऑफ चाइना
इज द हेंगुएसू नेशनल पार्क लोकेटेड विच हाउसेज द वर्ल्ड्स लार्ज वाटरफॉल क्लस्टर। क्या होगा हमारा आंसर, थर्ड हो जाएगा। इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल फ्लावर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो ये कहाँ पर टेक प्लेस लेता है फर्टिलाइजेशन फीमेल का, ये लेता है ओवरी में। द तनक इज द सेक्रेट टेक्स्ट ऑफ विच रिलीजन, तो कौन से रिलीजन का है ये, यह है जुदाइज्म का। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वॉज क्वाइंड बाय, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कौन क्वाइंड किए थे, कि क्वाइंड पूछ रहा है तो कौन क्वाइंड किए थे, ये किए थे हर्बर्ट स्पेंसर्स। अबाउट 70% ऑफ सन इज मेड ऑफ ऑफ, देखिए 70% ऑफ सन जो है किससे बना रहता है, ये बना रहता है हाइड्रोजन से। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इनफोर्स्ड, ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू किया गया था, कौन से साल में लागू किया गया था, 1973 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट एल्टीट्यूड लेक इन पाकिस्तान, तो ये कौन है इसका हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक, तो ये है परिस्तान लेक। द फॉर्मर प्रिस्ली स्टेट ऑफ त्रिपुरा इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वॉज रूल्ड बाय डैश डायनेस्टी, कौन डायनेस्टी रूल किया था त्रिपुरा को, ये रूल किया था नंबर वन डैश अज्यूम द टाइटल ऑफ गंगाई कुंडो चोला और द कंकरर ऑफ द रिवर गंगा। देखिए रिवर कंकरर ऑफ द रिवर गंगा का टाइटल उपाधि कौन से राजा के पास है, तो वो है राजेंद्र चोला प्रथम के पास। भवई इज द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ, ये कहाँ का डांस फॉर्म है भवई, ये है गुजरात का। द फ्रेंडशिप हाईवे इज अ रोड डेट कनेक्ट चाइना टू, तो फ्रेंडशिप हाईवे है ये चाइना से कहाँ कनेक्ट करता है, ये चाइना टू नेपाल कनेक्ट करता है फ्रेंडशिप हाईवे। इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ गोवा फाउट, कौन से साल में वो बैटल ऑफ गोवा फाउट हुआ था, तो हुआ था 1510 में। डीएनए इज स्टोर मेजरली इन डैश ऑफ द सेल, ये कहाँ स्टोर होता है, वो होता है न्यूक्लियस में। यह था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का पहला पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है, जिसमें से हम लोग ने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिए थे कि तीन पार्ट आएगा इसका, जो कि 1200 प्लस क्वेश्चन का होगा, जिसमें सारा का सारा क्वेश्चन जो 2019-20 में एसएससी में पूछा गया है, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं ये दो साल में, वो सारा का सारा क्वेश्चन ये है। आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझ आया होगा कि किस लेवल का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और ये TCS पैटर्न है, और सारा एग्ज़ाम TCS पैटर्न ही लेता है। तो कैसा लगा आपको हमारा सेशन, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हौसला बढ़ाइए। ले तब तक के लिए मिलते हैं, अब कल मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ, जो कि यहाँ से कंटिन्यू रहेगा। तो धन्यवाद।